أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم قوينا في الدين، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب. أحزاب एक जंग का नाम है, जैसे हमने अहद पढ़ी, बदर पढ़ी, उसी तरह एक जंग का नाम है जंग अहजाब. और ये इसमें 73 आयात हैं और 9 रुकू पर मुश्तमिल ये सूरा है, और ये मदनी सूरा है. ठीक है, हमने 8 जोड़े पढ़े थे मक्की सूरतों के, अब मदनी सूरा का सिलसिला शुरू हो रहा है. अच्छा, ये सूरह अहज़ाब जो है ना, सूरह नूर का जोड़ा है, समझ लें उसके मतलब. सूरह नूर में हमने पढ़ा कि किस तरह से औरतों को अपने घर के आदाब सिखाए गए ना उसमें, कि घर में किस तरह रहना है, किन से पर्दा है. इसमें बाहर के आदाब है इस सूरह में. और बेसिकली इस सूरह में 3 टॉपिक डील किए गए हैं. एक है जंग एहजाब के मुताल्लिक, गजवा एहजाब के मुताल्लिक, जो कि शवाल 5 हिजरी में हुई. दूसरा है गजवा बनी कुरैजा, जो कि यहूदियों का एक कबीला है बनी कुरैजा, वो 5 हिजरी में हुआ था, उसके मुताल्लिक है ये. और तीसरा है हजरत जैनब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निकाह हुआ है उसके मुताल्लिक. ये तीन तीन मेन टॉपिक हैं जो ये सूरह एहजाब में डील किए गए. गजवा एहजाब, गजवा अहजाब और गजवा बनी कुरैजा और हजरत फातिम, हजरत जैनब रदिल्ला ताला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. ठीक है, हम थोड़ा सा पसे मंजर इसका पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ी डिटेल है इसके पीछे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैनब, हजरत जैनब रदिल्ला ताला अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह, और तीनों ही वाक्यात 5 हिजरी में हुए हैं. तो इसलिए इसका इसके सूरे का नुज़ूल बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि पता है ना कि ये वाक्यात हुए हैं तो इसी टाइम पर ये सूरे नाजिल हो रही थी. अच्छा जी जी, 5 हिजरी में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 5 साल बाद मदीना में. जंगे अहद, जंगे अहद जो के सेकेंड जंग थी, पहली जंग थी जंगे बदर, 2 हिजरी में जंगे बदर हुई, देन 3 हिजरी में हाँ जंगे ओहद हुई थी, उसके ही मतलब वो करने के लिए, क्योंकि इस तरफ से कौन पछाड़ दिए गए थे, बदर में ईमान वाले जीत गए थे और काफिरों को शिकस्त हुई थी. जंगे ओहद में क्या हो गया था, ईमान वालों को एक तरीके से शिकस्त होने लगी थी. किस वजह से, वो जो तीर अंदाजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हाँ कि जो मोर्चे को संभाले रखना, तो उनकी गलती की वजह से वो ऑलमोस्ट हारने ही वाले थे, लेकिन अल्लाह ने फिर भी संभाल लिया था उसमें. लेकिन शोहदा काफी लोग शहीद हो गए थे, अराउंड 70 लोग शहीद हो गए थे सहाबा अकराम, तो वहां पर और कई कैदी भी बना लिए गए थे. अच्छा, जंगे अहद शवाल 3 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए तीर अंदाजों की गलती से लश्कर इस्लाम को जो शिकस्त नसीब हो गई थी, उसकी वजह से मुशरिकीन अरब, यहूद और मुनाफिकीन की हिम्मतें बहुत बढ़ गई थी. यानी अब उनको जोर आ गया कि हाँ भाई, हम तो इनको क्या कर सकते हैं, हाँ पछाड़ सकते हैं, पूरी तरह से इनको शिकस्त दे सकते हैं. तो इन सबकी हिम्मतें बढ़ गईं और उन्हें उम्मीद बन चली थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करके ही रहेंगे. यानी कि एक तरीके से अब यहाँ पर 70 में आ गए और जंगे करेंगे, पूरी तरह से इनको खत्म कर देंगे और इनको खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे. इन बढ़ते हुए हौसलों का अंदाजा इन वाकयात से हो सकता है जो ओहद के बाद पहले ही साल में पेश आए. यानी कि जंगे ओहद होने के बाद कई वाकयात लगातार पेश आए, जिससे पता चलता है कि जंगे ओहद के बाद लोगों के हौसले किस तरह से बढ़ गए थे, किस तरह से इस्लाम के मुतालिक इनकी वो जो थी साजिशें तेज हो गई थी. सबसे पहले साल में क्या हुआ, जंगे ओहद पर 2 महीनों से ज्यादा ना गुजरे थे कि नजद के कबीला बनी असद ने मदीना तैयबा पर छापा मारने की तैयारियां की. ठीक है, एक कबीला बनी असद है, वो नजद के रहने वाले थे, उन लोगों ने अभी 2 महीने के अंदर ही अंदर ओहद के बाद इन लोगों ने छापा मारने की, वो जो हमने पढ़ा था यहाँ छापा मार दस्ते, तो क्योंकि वो अब चल रहा था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनिशिएट कर दिया था कि छापा मारो और जो लोग मतलब मदीने को घेरना चाहते हैं उनको रोकना जरूरी है. हाँ,
तो यहाँ पर इन लोगों ने अब उसी चीज की तैयारी की, मदीना तैयबा में छापा मारने की तैयारियां की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी रोकथाम के लिए सिरिया अबू सलमा, यानी कि सिरिया और वो होता है ना, सिरा सिरिया और गजवा में ये फर्क है। गजवा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक होते हैं, सिरिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अबू सलमा की कयादत में एक मतलब सीरिया हुई, एक जंग हुई, और मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उनका डिफेंस करने के लिए, वो जो छापा मार दस्ता आया था बनू असद का, तो उनका, हाँ जी, तो उसके लिए अबू सलमा को भेजा गया। अब भेजना पड़ा। फिर सफर के 4 हिजरी में कबाइले अजल और कारा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद आदमी मांगे ताकि वो इन इलाके में जाकर लोगों को दीन इस्लाम की तालीम दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 असहाब को इनके साथ कर दिया, मगर रजी जिद्दा और राबिग के दरमियान पहुंचकर वो लोग कबीले हुजैल के कुफार को इन बेबस मुबल्लिगीन पर चढ़ा लाए, इनमें से 4 को कत्ल कर दिया, और 2 सहाबों हजरत खुबैब बिन आदी और हजरत जैद बिन दसिन्ना को ले जाकर मक्का मुअज्जमा में दुश्मनों के हाथों फरोख कर दिया। फिर इसी मास, यानी के पहला वाकया ये हुआ कि इसने छापा मार दस्ता भेजा, किसने, बनू सलमा ने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके डिफेंस के लिए भेज दिया अबू सलमा को। फिर यहाँ पर आए ये जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 सहाबा अकराम को भेजा था लोगों को टीचिंग्स के लिए, लेकिन उनकी हिम्मतें इतनी बढ़ चुकी थी कि इन लोगों ने क्या किया, इनको ये, हालांकि ये कोई जंग लड़ने नहीं गए थे, ये सिर्फ लोगों को दीन सिखाने के लिए गए थे, तो 4 लोगों को कत्ल करके 2 को अपने साथ ले जाकर फरोख कर दिया। ये दूसरा वाक्या हुआ। अब तीसरा वाक्या देखें हजरत, मतलब ये देखें कि ओहद के बाद ये बताया गया कि कैसे इनकी हिम्मतें बढ़ गई। इसी माह सफर में बनी आमिर के एक सरदार की दरख्वास्त पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और वफद जो 40 या बकौल बाज 70 अंसारी नौजवानों पर मुश्तमिल था, नजद की तरफ रवाना किया, मगर इनके साथ भी गद्दारी की गई और बनी सलीम के कबाइल कबाइल और कबाइल, ये बहुत सारे कबाइलों के नाम हैं, के मकाम पर अचानक माउना के मकाम पर अचानक नरगा करके इन सबको कत्ल कर दिया गया। इसी दौरान में मदीने का यहूदी कबीला बनी नुजैर दिलेर होकर मुसलसल ये अहदियां करता रहा, यहाँ तक के रबीउल अव्वल 4 हिजरी में इसने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देने की साजिश तक कर डाली। तीसरा वाक्या ये हुआ। दूसरा वाक्या वो हो गया 6 वफद वाला, 6 सहाबी जो के सिर्फ मुअल्लिम बनकर गए थे। अब 70 सहाबी या 40 सहाबी को नजद के मकाम पर भेजा जा रहा था, तो वो नजद के मुकाम पर उन सबके सबको क्या कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ठीक है। अब ये सब सब देख रहे हैं कि हर जगह पर ये मुसलमान मारे जा रहे हैं, तो ये बनू नुज़ैर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे हैं तो वहां पर मदीना के अतराफ में 3 कबीले थे यहूदियों के, बनू नुज़ैर, बनू कुरैज़ा और बनू कुरैज़ा नुज़ैर और वन मोर कबीला, जो ये 3 कबीले थे यहूद कबीले थे। अब इन लोगों को 2 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया था, जिला वतन कर दिया था। ये बनू नुज़ैर अभी भी वहां पर मौजूद थे अतराफ मक्का में, ठीक है। तो अब ये जो थे, ये इनको साजिश सूझी कि क्यों ना इन सबको खत्म करने की बजाय छोटे छोटों को, प्यादों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही हमला कर दिया जाए, ना वो रहेंगे ना काम आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही साजिश शुरू कर दी। अब क्या होता है कि बनी आमिर के एक सरदार की दरख्वास्त पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी आगे हम बढ़ गए, अच्छा हाँ, 4 रबीउल अव्वल 4 हिजरी में उसने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देने की साजिश की बनू नुज़ैर ने। फिर जमादिल उला 4 हिजरी में बनी गतफान के 2 कबीलों बनू सालबा और बनू महारिब ने मदीने पर हमले की तैयारियां की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद इनकी रोकथाम के लिए जाना पड़ा। इस तरह जंगे अहद की शिकस्त से जो हवा उखड़ी थी वो मुसलसल 7-8 महीने तक अपना रंग दिखाती रही।
यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ये बनू नज़ैर जो है वो किसका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे, और साथ में दूसरे कबीले जो थे गतवान वगैरह वो मदीने पर हमले की तैयारियां कर रहे थे, वो बाहर के कबीले थे, बाहर रहने वाले थे। तो इस तरीके से ये लोग क्या चाह रहे थे कि हर तरीके से हम इनको घिराव में ले लें। लेकिन वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म और तदब्बुर और सहाबा इकराम का जज्बा फिदाकारी था जिसने थोड़ी मुद्दत के अंदर ही हालात का रुख बदल कर रख दिया। अरबों के माशी मकाता ने अहले मदीना के लिए जीना दुश्वार कर रखा था। गर्दो पेश के तमाम मुशरिक कबाइल चीरा दस्त हो रहे थे। खुद मदीने के अंदर यहूद और मुनाफिकीन मारे आस्तीन यानी आस्तीन के सांप बन गए थे, मगर इन मुट्ठी भर मोमिनीन सादिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयादत में पे दर पे ऐसे इकदामात किए जिनसे अरब में इस्लाम का रौब सिर्फ बहाल ही नहीं हो गया बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गया। अब जंगे अहद से पहले के गजबात, इनमें से अव्वलीन यानी जंगे अहद अभी शुरू नहीं है उससे पहले कुछ गजबात हुए जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक थे। इनमें से अव्वलीन इकदाम वो था जो जंगे अहद के फौरन ही बात किया गया। जंग के ठीक दूसरे रोज जबकि बकसरत मुसलमान जख्मी थे यानी कि अहद में बहुत सारे लोग जख्मी हुए और बहुत से अजीज तरीन अकारिब की शहादत पर कोहराम बरपा था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी और हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अनहु की शहादत पर दिल फुगार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के फिदाइयों को पुकार कर लश्कर कुफार के ताकुब में चलना है ताकि वो कहीं रास्ते से पलट कर फिर मदीने पर हमला आवर ना हो जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक्स्ट डे जबकि सारे लोग जख्मी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी भी इनका ताकुब जारी रखो, ऐसा ना हो कि थोड़ा वक्त हम ढीले पड़े और वो फिर से क्या कर दे, क्योंकि पीछे से खालिद बिन वलीद आ गए थे ना और उन्होंने हमला कर दिया था, तो ऐसा ना हो कि थोड़ा हम यहाँ से सुस्त पड़े और वहां से लोग आकर दोबारा हमला करें, तो इनको जब तक ये शहर से बाहर ना जाए इनके पीछे पीछे इनको चलाते रहो, आगे तक इनको दौड़ाओ। फिदाइयों को पुकार कर लश्कर कुफार के ताकुब में चलना है ताकि वो कहीं रास्ते से पलट कर फिर मदीने पर हमला आवर ना हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजा बिल्कुल सही था कि कुफारे कुरैश हाथ आई हुई फतेह का कोई फायदा उठाए बगैर वापस तो चले गए हैं, लेकिन रास्ते में जब किसी जगह ठहरेंगे तो अपनी इस हिमाकत पर नादिम होंगे और दोबारा मदीने पर चढ़ आएंगे। इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताकुब का फैसला किया और फौरन फौरन 360 जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मक्का के रास्ते में जब हमराउल असद पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज तक पड़ाव किया तो एक हमदर्द गैर मुस्लिम के जरिए से आपको मालूम हो गया कि अबू सुफियान अपने 2,900 आदमियों के साथ मदीने से 36 मील दूर अर-रोहा के मुकाम पर ठहरा हुआ था और ये लोग फिल वाके अपनी गलती को महसूस करके फिर पलट कर आना चाहते थे। समझ रहे हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंदाजा लगाया ना कि वो लोग अभी अभी तो ये डर के मारे भागे हैं कि हमारे देखो ना तो हमारे हाथ कुछ आया, ना हम जंग जीत पाए, ना कोई हमारे पास गनीमत आई, तो ऐसी इतनी ऐसी जंग तो हम करने नहीं आए थे कि नुकसान पर ही नुकसान उठाकर चले जाए। तो ये इनको जब ये गलती का एहसास हुआ तो ये वहां पर पड़ाव कर दिया उन्होंने, किसने, अबू सुफियान ने अपने दो अराउंड 3,000 लोगों के साथ उसने पड़ाव कर रखा था, ठहरे हुए थे वो लोग कि जैसे ही इन लोग सुस्त पड़ेंगे और हम क्या कर देंगे, लाकर दोबारा से हमला कर देंगे। और देखिए काफिर भी जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लॉयल थे, उन्होंने कहा एक काफिर ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि वहां पर अबू सुफियान का काफिला ठहरा हुआ है दोबारा हमला करने के लिए। फिर वाकई अपनी गलती को महसूस करके फिर पलट आना चाहते थे, लेकिन ये सुनकर इनकी हिम्मत टूट गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लश्कर लिए हुए इनके ताकुब में चले आ रहे हैं। इस कार्रवाई का सिर्फ यही फायदा नहीं हुआ कि कुरैश के बड़े हुए हौसले पस्त हो गए बल्कि गर्द पेश के दुश्मनों को भी ये मालूम हो गया कि मुसलमानों की कयादत एक इंतहाई बेदार मगज और उलुल अज्म हस्ती कर रही है और मुसलमान इसके इशारे पर कट मरने के लिए हर वक्त तैयार है। यानी कि कोई ऐसे हम लोगों का जिनसे
पाला पड़ गया है, वो कोई आम लोग नहीं है। और जो कयादत करने वाले लीडर हैं, यानी कि जो कमांडर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अजम हिम्मत बा हिम्मत शख्स हैं। तो हम लोग ऐसे ही कोई बिला समझे सोचे कोई स्टेप नहीं ले सकते, मतलब इसके लिए काफी प्लानिंग की जरूरत होगी। फिर जो ही अब बनी असद ने मदीने पर छापा मारने की तैयारियां शुरू की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखबिरों ने बर वक्त आपको इनके इरादों से बाखबर कर दिया। कबल इसके कि वो चढ़ आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सलमा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के पहले शौहर की कयादत में 150 आदमियों का एक लश्कर इनकी सरकूबी के लिए भेज दिया। ये फौज अचानक इनके सर पर पहुंच गई। बदहवासी के आलम में वो अपना सब कुछ छोड़कर भाग निकले और इनका सारा माल असबाब मुसलमानों के हाथ लग गया। उनको खबर नहीं थी कि हम तो उनको ये नहीं पता था कि हमें हमारी खबर उनको पहुंच चुकी है। तो इन लोगों ने जाके फौरन हमला किया, यानी बनु असद के ऊपर अबू सलमान ने हमला कर दिया। तो वो लोगों ने के जंग हो जाएगी इससे पहले पहले क्या कर गए, सब कुछ छोड़कर भाग गए। इसके बाद बनी नुजैर की बारी आई। अब ये यहूदी कबीला है। जिस रोज उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश की और उसका राज फाश हुआ, उसी रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नोटिस दे दिया कि 10 दिन के अंदर मदीने से निकल जाओ, अब इनके जिलावतन होने का वक्त आ गया। इसके बाद तुम में से जो यहाँ पाया जाएगा कत्ल कर दिया जाएगा। मुनाफिकीन मदीने के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने, मतलब वो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने इनको तड़ी दी कि डट जाओ और मदीना छोड़ने से इनकार कर दो। मैं 2,000 आदमियों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा, बनू कुरैजा तुम्हारी मदद करेंगे और नजद से बनी गतवान भी तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। वो भी चाह रहे थे ना कि हम मदीना पे हमला करते हैं, ये बनू कुरैजा चाह रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे, तो ये क्या चाह रहे थे कि गठजोड़ हो जाए, एक साथ मिल जाए और सारे काम पूरे कर लें। तो वो मतलब अभी इनको श्योरिटी दे रहा है कि मैं अपने 2,000 आदमी भेजता हूँ, ये अब्दुल्ला इब्ने उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है, तुम आगे बढ़ो और मना कर दो कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर इनकार कर दो, 2,000 आदमियों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा, बनू कुरैजा तुम्हारी मदद करेंगे और नजद से भी बनी गतवान भी तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। इन बातों में आकर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहला भेजा कि हम अपने इलाका नहीं छोड़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ हो सके कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोटिस के मियाद खत्म होते ही इनका मुहासरा कर लिया, यानी घेर लिया उनको, और इनके हामियों में से किसी की ये हिम्मत ना पड़ी कि मदद को आता, यानी वो जो 2,000 के सारी बातें कर रहा था गतफान, कोई नहीं आया उस टाइम पर, कोई नहीं। आखिरकार उन्होंने इस शर्त पर हथियार डाल दिए। अब शर्त देखें कि उनमें से हर 3 आदमी एक ऊंट पर जो कुछ लाद कर ले जा सकते हैं ले जाएं और बाकी सब कुछ मदीने ही में छोड़कर जाएंगे। यानी पहले तो सब कुछ जाने की वो दे दी गई थी, लेकिन अब और सख्त हो गई उनके लिए कंडीशन कि सिर्फ तीन तीन आदमी एक एक ऊंट, 3 आदमी का एक ऊंट होगा और वो जो कुछ लेकर जा सकते हैं वो लेकर जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लेकर जा सकते। बनू नुजैर इसी तरह मुदाफात मदीना का वो पूरा मोहल्ला जिसमें बनू नुजैर रहते थे, इसके बागात और घड़ियों और सरो सामान समेत मुसलमान के हाथ आ गया और इस बदअहद कबीले के लोग खैबर वादी अल कुरा और शाम में तितर बितर हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी गतफान की तरफ तवज्जा की, जो मदीने पर हमला आवर होने के लिए होने के लिए आ रहे थे। आप 400 का लश्कर लेकर निकले और जातुर रिका के मकाम पर इसको जा लिया। इस अचानक हमले ने उनके हवास बाख्ता कर दिए और किसी जंग के बगैर वो अपने घर बार और माल असबाब छोड़कर पहाड़ों में मुंतशिर हो गए। तो ये चले गए खैबर की तरफ, नुजैर वाले जो थे बनू नुजैर यहूदी, और ये गतफान वाले सारे पहाड़ों में जाकर छुप गए, और दोनों का जो सामान था वो क्या हो गया, मुसलमानों की कस्टडी में आ गया। इसके बाद शाबान 4 हिजरी में आप अबू सुफियान के इस चैलेंज का जवाब देने के, यानी समझ लें कि एक एक करके जितने लोग प्लानिंग कर रहे थे सबका काम तमाम किया जा रहा है। पहले ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए बनू नुजैर आए थे, गतफान आए थे मदीने पर हमला करने के लिए, ये दोनों का काम हुआ। अब अबू सुफियान के को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ क्या प्लानिंग की। इसके बाद शाबान 4 हिजरी, ये कब की बात है, अभी अहजाब हुई नहीं है, पहले की बात है, क्योंकि अहजाब 5 हिजरी में हुई है।
ठीक है। इसके बाद शाबान 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के इस चैलेंज का जवाब देने के लिए निकले जो इसने ओहद से पलटते हुए दिया था। खात्मे जंग पर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की तरफ रुक करके ऐलान किया था कि इन मौईद मौईदुकुम इन मौईदुकुम बदरिल लिल आलामिल मुकबिल, आइंदा साल बदर के मुकाम पर हमारा तुम्हारा फिर मुकाबला होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में एक सहाबी के जरिए से ये ऐलान करा दिया था कि नाम हाँ मतलब हम तैयार हैं, हम ठीक है, ये बात हमारे और तेरे दरमियान तय हो गई, यानी कि यकीनन हम अब वो करके रहेंगे, जंग करके रहेंगे। इस करारदाद के मुताबिक तयशुदा वक्त पर आप 500 सहाबियों को लेकर बदर के मुकाम पर पहुंच गए। उसने बोला था ना कि इतने इसी दिन 2 साल बाद मतलब नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से जंग करेंगे, यानी कि हम अब की बार जीत कर दिखाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही 1500 सहाबी के साथ रेडी थे कि वो वादा करके गया था ना, हम अब यहाँ पर पहले से ही खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। इधर से अबू सुफियान 2000 का लश्कर लेकर चला, मगर मौजूदा जो वादी फातिमा जिसको कहा जाता है वहां से आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में 8 दिन इसका इंतजार किया और इस दौरान में मुसलमान तिजारत करके 1 दरहम के 2 दरहम कमाते रहे। यानी दो तरफ से फायदा हो रहा है कि हमारा जो था चैलेंज भी वो जो, क्योंकि ईमान वाले जो वादा करते हैं उससे वादा खिलाफी नहीं करते, दूसरा तिजारत में भी खूब मुनाफा हो गया। इस वाक्य से वो धाक जो ओहद में उखड़ी थी पहले से ज्यादा जम गई, क्योंकि ये लोग तो पहले ही प्लानिंग और तैयारी करके खड़े, यानी सोचो कितने तैयार होंगे, उनको ये लगा कि ये बहुत ज्यादा तैयारी करके आए हैं इसीलिए ये लोग आगे नहीं। हालांकि वो 2000 लाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 1500 लेकर आए थे। वाक्य में धाक ओहद से पहले ज्यादा जम गई। इसने पूरे अरब में ये बात खोल दी कि अब तनहा कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले की ताकत खत्म कर चुके हैं। अब कुरैश खाली अकेले, जब तक के कोई दूसरे कबीले उसका साथ नहीं देंगे तब तक खाली कुरैश नहीं इनसे लड़ सकते। इसके मजीद तफसील के लिए आगे इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। इस धाक में एक और वाक्य ने मजीद इजाफा किया। अरब और शाम की सरहद पर दो मता अल जंदल मौजूदा अल जौफ, जो जौफ का मकाम है आज के दौर में, एक अहम मकाम था जहां से इराक और मिस्र और शाम के दरमियान अरब के तिजारती काफले गुजरते थे। इस मुकाम के लोग काफिलों को तंग करते और अक्सर लूट लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल 5 हिजरी में 1000 का लश्कर लेकर इनकी तादीब के लिए खुद तशरीफ ले गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले की हिम्मत ना कर सके और बस्ती छोड़कर भाग निकले। इससे पूरे शुमाली अरब पर इस्लाम की हैबत बढ़ गई और कबाइल ने ये समझ लिया कि मदीने में जो जबरदस्त ताकत पैदा हुई है उसका मुकाबला अब 1-2 कबीले की बस की बात नहीं है। यानी कि जो जिनका मामला मुसलमानों से भी नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबीलों को भी पछाड़ दिया, यानी वो किसी भी कबीले को, उनका कोई ये नहीं था कि मुसलमानों को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर लश्कर लेके गए तो खुद ब खुद भाग गए वहां से कि भाई हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब सारे लोगों को ये फैल गई पूरे अरब में बात कि अब खाली कुरैश इनका मुकाबला नहीं कर सकते, खाली गतफान नहीं कर सकते, अब जो बनू नुज़ैर अकेले नहीं कर सकते, यानी जब तक कि हम सब एक साथ नहीं मिल जाएंगे तब तक ये इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये पसे मंजर है अहज़ाब का। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम सूरा शुरू करते हैं, फिर उसके बाद गज़वाए अहज़ाब, गज़वाए पहले हम देख लें कि गज़वाए अहज़ाब क्या है, फिर वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी ना, वो ज्यादा ईजी रहेगा। ये वो जो थे ना जिस मकाम पर भेजे गए थे ना वहां के लोगों ने उनको शहीद कर डाले। ठीक है, हाँ, क्योंकि उनको पता चला ये मुसलमान आए हैं, तो वैसे तो दुश्मनी सभी जगह फैली हुई थी ना, तो उन लोगों ने शहीद कर दिया, किसी खास कबीले ने नहीं शहीद किया था। चलें हम अजाब का भी देख लेते हैं किस तरह से हुई। ये हालात थे जिनमें गज़वाए अज़ाब पेश आया, यानी कि अब ये सारा कुछ पसे मंजर था, अब गज़वाए अज़ाब का क्या हुआ। ये गज़वा दरअसल अरब के बहुत से कबाइल का एक मुश्तरक हमला था।
अब उन लोग पता चल गया ना कि एक नहीं कर सकते, अब सबको मिलना पड़ेगा, तो सब मिल गए। और जो मदीने के इस ताकत को कुचल देने के लिए किया गया था, इसकी तहरीक बनू नुजैर के इन लीडरों ने की थी जो जिला वतन होकर खैबर में मुकीम हो गए थे। सबसे पहले यहूदियों को तो सबसे ज्यादा वो लगी थी, बुरा लगा था ये बात, वो तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करना चाहते ना, उनकी प्लानिंग मुसलमानों को नहीं ना इस्लाम को चोट पहुंचाना, उनका तो ये मकसद था कि किसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए, और जिला वतन होना पड़ा, और कब से वो सदियों से रह रहे थे वहां पर। तो अब ये खैबर से इन लोगों ने प्लानिंग की और बहुत सारे कबीलों को अपने उसमें ले लिया, ठीक है, और मतलब गठजोड़ कर लिया। जिला वतन होने के बाद खैबर में मुकीम हो गए थे। उन्होंने दौरा करके कुरैश और गतफान और हुजैल और दूसरे बहुत से कबाइल को इस बात पर आमादा किया कि अब मिलकर बहुत बड़ी जमीयत के साथ मदीने पर टूट पड़ेंगे, सारे कबीले मिल जाएंगे। चुनाचा इनके कोशिशों से शव्वाल 5 हिजरी में कबाइले अरब की इतनी बड़ी जमीयत इस छोटी सी बस्ती पर हमला आवर हो गई जो इससे पहले अरब में कभी जमा ना हुई थी। वैसे तो उन लोगों के आपस में सबके झगड़े थे, लेकिन क्योंकि इनका मुकाबला करना था तो सब में दोस्ती हो गई, ठीक है। इसमें शुमाल की तरफ बनू नुजैर और कैनुका, हाँ तीन कबीले जो थे ना, कुरैजा, कैनुका और बनू नुजैर, ये तीन यहूदी कबीले थे जो मदीने में रहा करते थे। बनू नुजैर और कैनुका के दो यहूदी आए जो मदीने से जिला वतन होकर खैबर और वादी अल कुरा में आबाद हुए थे। ठीक है, फिर ये सारे के सारे लोग क्या हो गए, जमा हो गए। इसमें शुमाल की तरफ बनू नुजैर और कैनुका, ये दोनों यहूदी कबीले हैं, बनू नुजैर और बनू कैनुका के दो यहूदी आए जो मदीने से जिला वतन होकर खैबर और वादी कुरा में आबाद थे। ये जो कैनुका थे वादी कुरा में आबाद थे, और ये जो नुजैर थे ये खैबर में आबाद थे। मशरिक की तरफ से गतफान के कबाइल आ गए, तो सोचे शुमाल से ये दो आ गए यहूदी कबीले, मशरिक से गतफान वाले आ गए, यानी चारों तरफ से घिराव करना था ना, वो लोग ये प्लान कर रहे थे, और वादी कुरा में आबाद हो गए। मशरिक की तरफ से गतफान के कबाइल बनू सुलेम, फजारा, मुर्रा, अशबा, साद और असद वगैरह थे, ने पेश कदमी की। इन सारे कबीलों ने मिलकर गतफान से आए सारे। और जुनूब की तरफ से कुरैश अपने हलीफों की एक भारी जमीयत लेकर आगे बढ़े। तो यानी शुमाल, जुनूब, मशरिक तीन तरफ से घेर लिए गए, कौन, ईमान वाले है ना, मुसलमान जो लोग थे वो घेर लिए गए। मजमूई तौर पर इनकी तादाद 10-12 हजार थी, अराउंड 10-12,000 थे। ये हमला अगर अचानक होता तो सख्त तबाह कुन होता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में बेखबर बैठे हुए ना थे, बल्कि आपकी खबर रसा और तहरीक इस्लामी हमदर्द और मुतासिरीन जो तमाम कबाइल में मौजूद थे, आपको दुश्मनों की नकलो हरकत से बराबर मुतला करते रहते थे। यानी जैसे अभी वो जो था, वो शख्स नाम नॉन मुस्लिम था ना, लेकिन उसे खबर दी थी। असल में ये जो नॉन मुस्लिम जिन्होंने खबरें दी ना, बाद में वो आखिर में मुसलमान हो गए थे। और हर कबीले में जो ये चाहे यहूद कबीला हो, चाहे नसरानी, चाहे कोई भी कबीला था, सारे कबीलों में मुसलमानों के कोई ना कोई मौजूद थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये मुसलमान है, वो उन्हीं के बनकर रह रहे थे, ठीक है। तो वो खबरें पहुंचा रहे थे लगातार। तो अब ये अचानक का हमला होता तो डेफिनेटली 10-12 हजार लोग अगर मुसलमानों पर, मुट्ठी भर मुसलमानों पर हमला करते तो सब फना हो जाते। लेकिन पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंच चुकी थी कि इतने सारे कबीले शुमाल से भी, जुनूब से भी और मशरिक से भी, तीनों तरफ से हमला करने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये खबर हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको दुश्मनों की नकलो हरकत से बराबर मुतला कर रहे थे। ये कौम परस्त जत्थों के मुकाबले में एक नजरियाती तहरीक की फौकियत का एक अहम सबब होता है। कौम परस्त जत्थे सिर्फ अपनी कौम के अफराद की ताईद और हिमायत ही पर इन्हिसार रखते हैं, लेकिन एक उसूली और नजरियाती तहरीक अपने दावत से हर सिमत में बढ़ती है और खुद इन जत्थों के अंदर से अपने हामी निकाल लाती है। यानी कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीक थी, ये कोई बातिल परस्तों की तहरीक नहीं थी कि जो असर अंदाज नहीं होती, वो जो काफिर थे उन्हीं के अंदर से इन मुसलमान निकल आए। तो जो हक पर होते हैं उन, वो कहीं ना कहीं जगह बना लेते हैं काफिरों में, तो वो हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे नहीं थे, वो खुद अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुखबिर या खबरी नहीं भेजे थे, वो खुद मुतासिर हो गए थे।
खुद खुद, हाँ बिल्कुल। इनके ये लिए तो देखे हाँ, ऐसा होता है ना कि इतना यानी अगर क्यों, अल्लाह ने हाँ जबरदस्ती हाँ कर दिया बिल्कुल, तो ये ऐसा होता है ना कि भाई ये इतनी तहरीक इतनी दम कैसे ले रही है, सारी तरफ क्यों फैल रही है, कुछ ना कुछ तो बात है। और फिर क्या होता है ना कि लोग फैन हो जाते हैं उसके, तो वैसे ही एग्जैक्टली वो लोग बता रहे फैन हो हो तुम। जाते हैं कि भाई ये तो बड़ी जबर। अब जैसे नहीं कोई यूथ क्लब है या जैसे अभी कोई अभी चला रहे हैं वो लोग, तो वो लोग जैसे बोलते हैं तो हम लोग फैन हो जाते हैं, और फिर वो लोग कुछ भी बोलेंगे ना तो हम लोग मान लेंगे, और उनकी तरफ कोई बढ़ता हुआ गलत कदम होगा ना हमको बुरा लगेगा। तो वैसे कुछ लोग थे जो बिल्कुल इनकी तहरीक को बढ़ता हुआ देख रहे थे कि ये तो किसी भी मतलब हर कबीले को, हालांकि मुट्ठी भर लोग हैं लेकिन अपने ईमान और अपने दलीलों के दम पर ये किसी को भी पछाड़ सकते हैं। तो ये लोग खुद से खुद फैन हो गए और खुद आके क्या करते थे, खबरें दे दिया करते थे। अब क्या हुआ कि कबल इसके के ये जम गफीर यानी कि सारा का सारा जत्था आपके शहर पहुंचता, आपने 6 दिन के अंदर मदीने के शुमाल गर्बी रुख पर एक खंदक खुदवा दी और कोहे सला को पुश्त पर लेकर 3,000 फौज के साथ खंदक की पनाह में मुदाफियत के लिए तैयार हो गए। अच्छा ये जो सजेशन था ना, ये उन्होंने दिया था सलमान फारसी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तीनों तरफ से तो घेर लिए गए हम, इस तरफ हम खुद हैं, तो अब क्या स्टेप लेना चाहिए, और है वहां पर 12 से 10 से 12 हजार का लश्कर है तो क्या स्टेप लेना चाहिए। तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर ज्यादा बड़ा लश्कर होता है ना तो क्या करते हैं, खंदक खोद देते हैं बीच में, हाँ ट्रेंच बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग एक साथ नहीं आते, क्योंकि वो नीचे जाना है फिर ऊपर आना है, सामने आते लोग कैसे होंगे, 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 200, एक साथ पूरे 10,000 नहीं आ सकते। तो ये यूं करके जो आना पड़ेगा, तो हर किसी की कुवत एक सी नहीं है कि वो एक लाइन में चले आएंगे, तो वो स्लो 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 करके आएंगे, तो हमारा फेस, हाँ अगर हम 1,000 खड़े हैं और यहाँ से 100 100 आ रहे हैं तो डील करना कौन सा मुश्किल है, यहाँ से 100 को तीर मारो और काम हो जाएगा। हाँ इस तरीके से स्लो स्लो आएंगे, तो ये इन्होंने खंदक इस तरह से खोद के ये सजेशन दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खोद खोदना शुरू कर। लेकिन ये जो खंदक गजवा आजाब, ये जो बड़ी आसान थी हमें लग रही है ना, ये मुसलमानों को सबसे बड़ा टेस्ट था। सख्त सर्दी का मौसम था, बहुत ज्यादा शदीद शिद्दत की सर्दी का मौसम था, खाने को कुछ नहीं था और लोगों को काम करना था लगातार। खंदक खोदना आसान बात नहीं थी, कोई वो नहीं था बिल्डोजर चला दिया और खत्म हो गया, नहीं हाथों से खोदना था, और सहाबा अकराम की तादाद को इतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़े बहुत लोग थे जो कि लगातार क्या कर, और 6 दिन में, सोचें 6 दिन में करना वो कितनी बड़ी बात है कि उन लोगों ने खंदक खोद दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेशन पर भी लब्बैक कहा, ये नहीं कि भाई तुम कौन होते हमें सजेस्ट करने वाले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा अकराम की भी बातों को माना करते थे, ऐसा नहीं कि सारा कुछ मैं लीडर हूँ तो मेरी ही चलेगी, मशवरे किया करते थे। और फिर खंदक वो खोदी गई, और बाकायदा मतलब अगर इसका मवाजना कर लिया जाए ना, जो ताइफ में समझ लें कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंडिविजुअली गुजरी है ना, वही बिल्कुल अगर उसको उसका कायम मकाम ये इज्तमाही तौर पर वो मामला गुजरा है, और आप और मतलब ये यहाँ पर असल मुनाफिकीन का पता चल गया, जब ये सारा कुछ करना था खंडक में खंडक एक खोदनी सारा कुछ करना, तो ये कोई आसान काम नहीं था, इसमें जान भी मारनी थी, वक्त भी देना था, सब कुछ करना था। तो मुनाफिकीन खुद मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर गए कि हम मुनाफिक हैं, यानी बोला नहीं उन्होंने मुनाफिक, उनके आमाल और उनके कॉल से पता चल गया कि ये लोग मुनाफिक हैं, अल्लाह सुबहानहु ताला ने छाट दिया। अब हुआ क्या यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक खोदी है यहाँ पर हाँ जी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीके हाँ जी, कबल इसके के ये जमगफीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पहुंचता, आपने 6 दिन के अंदर मदीने के शुमाल गर्बी रुख पर, शुमाल गर्बी यानी के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की साइड है ना, वो खोद दी, खंदक खोद दी और खंदक खुदवा ली और कोहे सला को पुश्त पर लेकर 3,000 फौज के साथ खंदक की पनाह में मुदाफियत के लिए तैयार हो गए। खंदक ऐसी जगह थी कि उससे लगकर एक पहाड़ था, पहाड़ के पीछे ये सारे लोग थे, यहाँ सामने खंदक खुदी हुई है, ठीक है। मदीने के जुनूब में बागात इस कसरत से थे और अब भी हैं कि इस जानिब से कोई हमला इस पर ना हो सकता था। तो समझ गया कि एक तरीका ये हो गया, हाँ इन लोगों ने खंदक इस तरफ खोदी, इस तरफ इतना
जंगलात है कि डायरेक्ट हमला नहीं हो सकता, तो पूरा जो एरिया था वो कवर हो गया है ना। तो इस तरीके से ये लोगों ने मतलब ये स्ट्रेटेजी लगाई। फिर मशरिक में हरारत लादे की चट्टाने हैं, सॉरी मदीने के जुनूब में बागात की इस कसरत से थे कि इस जानिब से कोई हमला इस पर हो ना सकता था। मशरिक में हरारत लावे की चट्टाने हैं जिन पर से कोई इज्तमाई फौज कशी आसानी के साथ नहीं हो सकती थी। यही कैफियत मगरबी जुनूबी गोशे की भी है, इसीलिए हमला सिर्फ ओहद के मशरिक और मगरबी गोशों से हो सकता था। और इसी जानिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवा दी, जिस जानिब से हमला हो सकता था वहां खंदक खुदवा दी। बाकी लावे के पहाड़ हैं, यहाँ जंगलात हैं, तो इसके ये दोनों ही जगह पर लोग आ नहीं सकते थे। अब ये चीज सिरे से कफार के जंगी नक्शे में थी ही नहीं कि उन्हें मदीने के बाहर खंदक से साबिका पेश आएगा। उन्हें खबर ही नहीं थी कि खंदक भी खुदवाई जा सकती है, क्योंकि अहले अरब इस तरीके दफा से रोशना ही नहीं थे। उनको खबर ही नहीं थी कि ऐसी भी कोई स्ट्रेटेजी होती है जो जंग के अंदर यूज की जा सकती है। ये तो फारस की थी ना, पर्शियन स्ट्रेटेजी थी, उनको नहीं पता था अरब में ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर नाचार उन्हें जाड़े के जमाने में एक तवील मुहासरे के लिए तैयार होना पड़ा, जिसके लिए वो घरों से तैयार होकर नहीं आए थे। उनको नहीं पता था कि खंदक जैसे और इतना लंबा, मतलब वो जो सफर सीधा था अब वो यूं करके जाने तो कितना तकलीफदा भी है और मेहनत वाला भी हो गया सफर। इसके बाद कुफार के लिए सिर्फ एक ही तदबीर बाकी रह गई थी, और वो ये कि बनू कुरैजा के यहूदी कबीले को गद्दारी पर आमादा करें। अब ये स्ट्रेटेजी लगाई गई कि इन दोनों को, ये जो कबीले गतवान है और ये कुरैजा, इनको आपस में एक दूसरे से क्या बदजन कर दिया जाए। इनको आपस में एक, मतलब जो आपस में एक दूसरे के अंदर टूट पड़ जाती है ना, डिवाइड एंड रूल वाला, अब यहाँ पर वो किया गया। तो क्या किया यहाँ पर, और वो ये कि मदीने अब इसके बाद कुफार के लिए सिर्फ एक ही तदबीर बाकी रह गई थी, और वो ये कि बनी कुरैजा के यहूदी कबीले को गद्दारी पर आमादा करें जो मदीना तैयबा के जुनूबी मशरकी गोशे में रहता था, क्योंकि इस कबीले से मुसलमानों का बाकायदा हलीफाना मुआहिदा था, जिसके रूह से मदीने पर हमला होने की सूरत में वो मुसलमानों के साथ मिलकर मुदाफियत करने का पाबंद था। इसलिए मुसलमानों ने इस तरफ से बेफिक्र होकर अपने बाल बच्चे इन गड़ियों में भिजवा दिए थे जो बनी कुरैजा की जानिब थी, और इधर मुदाफियत का कोई इंतजाम ना किया था। कुफार ने इस्लामी दिफा के इस कमजोर पहलू को भांप लिया। इनकी तरफ से बनू कुरैजा का यहूदी सरदार हई बिन अख्तब बनी कुरैजा के पास भेजा गया ताकि उन्हें मुआहिदा तोड़कर जंग में शामिल होने पर आमादा करे। अब ये ना, ये कुफारों की तरफ से हो रहा है, ठीक है। अभी अभी जो चल रहे हैं ना, ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, ये कुफार की तरफ से। कुफार क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि बनू कुरैजा को कहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और कहाँ चले गए थे, वो सारे खैबर चले गए थे। उसमें से कुछ जो रह गए थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हल्फ कर लिया था कि आप हमें ना निकाले, हम क्या करेंगे, जो भी आपकी जंग होगी हम उसमें आपका साथ देंगे। तो अब इन लोगों को ये बात पता चल गई कुफार को कि ये लोग तो कभी भी इनका साथ दे सकते हैं, अब इनको उकसाओ इनके खिलाफ, और क्या करो इनको जंग, जो ये लोग, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे जो अहले खाना और सारे थे इन लोगों के कबीलों में छोड़ दिए थे, अब अगर ये खिलाफ हो जाएंगे तो क्या होगा कि अहले खाना इनकी कस्टडी में है, वो कैदी बन गए। तो अब जब घर वाले कस्टडी में आ जाते हैं ना, तो वो जैसा चाहो उनको क्या कर दो, मेहनत तोड़ मोड़ किया जा सकता है। तो अब ये लोग कुफार पहुंच गए यहाँ पर बनू कुरैजा में इनको उकसाने के लिए। अब क्या होता है कि बनू 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 नुजैर का यहूदी सरदार हई बिन अख्तब बनी कुरैजा के पास भेजा गया ताकि उन्हें मुआहिदा तोड़कर जंग में शामिल होने पर आमादा कर दे। इब्तदान उन्होंने इससे इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया कि हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा है, यानी कि दोनों की आपस में ट्रीटी है, और आज तक कभी हमें इनसे कोई शिकायत भी पैदा नहीं हुई है। लेकिन जब इबन अख्तब ने इनसे कहा कि देखो, मैं इस वक्त अरब के मुत्तहिदा ताकत इस शख्स पर चढ़ा लाया हूँ, ये उसे खत्म कर देने का नादिर मौका है, इसको अगर तुमने खो दिया तो फिर दूसरा कोई मौका नहीं मिल सकेगा, तो यहूदी जहन की इस्लामी दुश्मनी इखलाक के पास हो लिहाज पर गालिब आ गई और बनी कुरैजा अहद तोड़ने पर आमादा हो गए। यानी कि
लास्ट चांस है, इसको मत खो, तुम अहद तोड़ दो। उन लोगों ने अहद तोड़ दिया। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले से भी बेखबर ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त इसकी इत्तला मिल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अंसार के सरदार साद बिन गबादा, साद बिन माज, अब्दुल्ला बिन रवाहा और खवाद बिन जुबैर को इनके पास तहकी के हाल और फहमाइश के लिए भेजा। देखिए कितनी बड़ी नसीहत मिली हम लोगों को, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम किसी की सुनी सुनाई बात पर नहीं, चार लोगों को भेजा तहकी के वाकई में ये बात सही है, कहीं उड़ती उड़ती खबर तो नहीं आ गई है। फिर चलते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हिदायत फरमाई कि अगर बनू कुरैजा अहद पर कायम रहे तो आकर सारे लश्कर के सामने अली उल ऐलान ये खबर सुना, मतलब काफिरों को ये बात कह दे, और लेकिन अगर वो नकद अहद यानी अहद तोड़ने पर मिस्र हों, सिर्फ मुझको इशारतन इसकी इत्तला दे देना, मतलब किसी और को ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, सारी इसकी न्यूज मुझे आनी चाहिए, ताकि आम मुसलमान ये बात सुनकर पस्त हिम्मत ना हो, क्योंकि अपने घर वालों को छोड़ा था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर आनी चाहिए। कितनी जबरदस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटेलिजेंस है ना। फिर पस्त हिम्मत ना हो जाए, ये हजरात वहां पहुंचे तो बनू कुरैजा को पूरी खबासत पर आमादा पाया और उन्होंने बरमला इनसे कह दिया कि ला अकद बैनना व बैन मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे दरमियान कोई अहद है ही, हमने तोड़ दिया। इस जवाब को सुनकर वो लश्कर इस्लाम में वापस आए और इशारतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया और इशारतन कह दिया अजल वकारा, ये दो कबीले हैं यानी कबीले अजल और वकारा ने रजी के मुकाम पर मुबल्लिगीन इस्लाम के वफद से जो गद्दारी की थी वही कुछ अब बनू कुरैजा कर रहे हैं। ये खबर बहुत जल्दी मदीने के मुसलमानों में फैल गई और इनके अंदर इससे सख्त इस्तराब पैदा हो गया यानी बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, क्योंकि अब वो दोनों तरफ से घेरे में आ गए थे और इनके शहर का वो हिस्सा खतरे में पड़ गया था जिधर दिफा का भी कोई इंतजाम ना था, क्योंकि उस तरफ से वो लोग ने वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं की थी कि हम पहले से उस तरफ से कुछ ना कुछ कर दें, तो ये मुसलमान डरने लगे। अब सबके माल बच्चे भी उसी जानिब है, इस पर मुनाफिकीन की सरगर्मियों और तेज और ज्यादा तेज हो गई और उन्होंने अहले ईमान के हौसले पस्त करने के लिए तरह तरह की नफ्सियाती हमले शुरू कर दिए, यानी कि मेंटली इनको क्या कर दो, हाँ इस तरफ से अगर ये इमोशनली और मेंटली वो हो जाएंगे ना तो फिर ये खुद नहीं, इनका विल पावर तोड़ दो। अब ये अंदर से अगर इनका ये हिम्मत पस्त हो गई तो फिर ये हमले के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये हिम्मत तोड़ने के लिए ये सारे काम कर रहे थे। अब किसी ने कहा कि हमसे तो वादे तू कैसर व किसरा के मुल्क फतेह हो जाने के लिए किए जा रहे थे और हाल ये है कि हम रफा हाजत के लिए भी नहीं निकल सकते, मतलब लोगों में ये चेमगोया शुरू हो गए कि क्या बोलते हैं, हम जीतने वाले थे कैसर व किसरा यानी ईरान और इराक और रोम को फतेह करने वाले थे और अब हमारा ये हाल है कि हम रफा हाजत के लिए बाहर तक नहीं निकल सकते, यानी अब जो पस्त हिम्मत मुसलमान होते उनके जबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं। किसी ने ये कहकर खंदक के महाज से रुख्सत मांगी कि अब तो हमारे घर ही खतरे में पड़ गए हैं। अब यहाँ पर मुनाफिकीन की छटाई शुरू हुई है, जैसे ही अब पता चला चारों तरफ से घेर लिए गए, अब देखिए क्या क्या एक्सक्यूज बना के लोग बाहर जाने लगे। रुख्सत मांगी कि अब तो हमारे घर ही खतरे में पड़ गए हैं, हमें जाकर इनकी हिफाजत करनी है। किसी ने यहाँ तक खुफिया प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया कि हमला आवरों से अपना मामला दुरुस्त कर लो, यानी कि जाओ जाके कुरैजा और उन लोगों के साथ हो जाओ, उनके साथ मिल जाओ, दुरुस्त कर लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके हवाले कर दो, यानी कि उनके तरफ के हो जाओ और अपेरेंटिस बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कर दें, उनके हवाले कर दें। ये ऐसी शदीद आजमाइश का वक्त था जिसमें हर उस शख्स का पर्दाफाश हो गया जिसके दिल में जर्रा बराबर भी निफाक था। सिर्फ सादिक और मुखलिस अहले ईमान ही थे जो इस कड़े वक्त में भी फिदाकारी के अज़्म पर साबित रहे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ जो पुख्ता ईमान वाले थे वही रह गए, बाकी कोई अपने अहले खाना के पास चला गया, कोई काफिरों के साथ जा मिला, वो मुनाफिकीन थे जो कि छोड़ छोड़ कर जाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाजुक मौके पर बनी गतफान से सुलह की बातचीत शुरू की और इनको इस बात पर आमादा करना चाहा कि मदीने के फलों की पैदावार का तीसरा हिस्सा लेकर वापस चले जाएं। लेकिन जब अंसार के सरदार
साद बिन उबादा और साद बिन माज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शराइत के सुलह के मुतालिक मशवरा तलब किया, तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि हम ऐसा करें, या ये अल्लाह का हुक्म है कि हमारे लिए इसे कबूल करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। यानी ये आप चाहते हैं कि उनको बतान वालों को एक तिहाई फल दे दें, या ये अल्लाह ने हुक्म दिया, इन दोनों में क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं सिर्फ तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि तुम्हारे जो दिल दहल रहे ना, तो वो किस इस तरीके से कुछ लोग कम हो जाएंगे तो तुम्हारे दिलों में थोड़ी तो सुकून आ जाएगा, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सारा अरब मुत्तहिद होकर तुम पर पिल पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि इनको एक दूसरे से तोड़ दूं। इस पर दोनों सरदारों ने बिल इत्तेफाक कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी खातिर ये मुआहदा कर रहे हैं तो इसे खत्म कर दीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि हम मर जाएंगे, हमारी जानें चली जाएंगी, तो आप इसके फिक्र ना करें, हम आपके ऊपर जान फिदा करने के लिए तैयार हैं। ये कबीले हमसे इस वक्त भी एक हिबा खराज के तौर पर कभी ना ले सके थे जब हम मुशरिक थे, और अब तो अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए। यानी कि जब ये लोग मुशरिक थे तब हमने इनको फूटी कौड़ी नहीं दी, तो आज हम एक क्या फलों के बाग दे देंगे इनको, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, जबकि हम ईमान लेकर आ चुके हैं, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि हमारे लीडर हैं। क्या अब ये हमसे खिराज ले लेंगे? हमारे और इनके दरमियान अब सिर्फ तलवार ही है, यहाँ तक कि अल्लाह हमारा और इनका फैसला कर दे। ये कहकर उन्होंने मुआहदे के इस मसूदे को चाक कर दिया जिस पर अभी दस्तखत तक ना हुए थे। इसी दौरान में कबीला गतफान के शाख अशबा के एक साहब नाइम बिन मसूद मुसलमान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, देखिए क्या अल्लाह सुभान व तआला, लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अल्लाह सुभान व तआला कैसे अपनी प्लानिंग करता है। वहां से मुसलमान होके गतफान से यहाँ पर आ गए नईम बिन मसूद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इस वक्त जो खिदमत लेना चाहे मैं उसे अंजाम दे सकूं, जो भी आप कहेंगे मैं आज अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जाकर दुश्मनों में फूट डालने का काम करो, ठीक है, कोई तदबीर निकालो। इसी मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल हर्बुल खदआ, यानी जंग में धोखा देना जायज है, यानी कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, है ना, तो फिर यहाँ जंग में धोखा दिया जा सकता है। चुनाचा वो पहले बनी कुरैजा के पास गए जिनसे इनका बहुत मेल जोल था, और इनसे कहा कि कुरैश और गतफान तो मुहासरे से तंग आकर वापस भी जा सकते हैं, इनका कुछ ना बिगड़ेगा। अब देखें इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी की कि क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है मुसलमान हो चुके हैं, क्योंकि अहले गतफान है और जस्ट आए हैं और ईमान का अपना इजहार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कहा कि जो काम लेना है ले लें। अब इनसे कहा गया कि तुम इन दोनों में डिवाइड एंड रूल का, जिस तरह उन्होंने किया अब तुमने भी ये काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या ट्रिक की कि पहले बनु कुरैजा के पास गए और कहा कि तुम अहले गतफान की और इनकी कुरैश की बातों में आ गए हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो कहते हैं यहाँ के रहने वाले, बनु कुरैजा जो थे यहूद जो थे वो रहने वाले थे हिजाज के बाजू में रहने वाले थे मदीना के। तो उन्होंने कहा वो बाहर के रहने वाले हैं, अगर इन केस कुछ होता भी तो भाग जाएंगे, अपने अपने घरों में जाके बस जाएंगे, तुम्हारा क्या बनेगा? अगर तुमने यहाँ पर कुछ ना कुछ कर दिया, 10-20-30% तो चांस है ना कि बात उल्टी भी हो सकती है, क्या खबर कि तुम ही जीतोगे, क्या खबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जीत सकते हैं। अगर वो जीत गए तो समझ लोगे फिर तुम्हारा क्या बनेगा, यानी यहाँ से भी निकाले जाओगे, किस जगह जाके बसोगे? तो इनके दिल में ये शक पैदा हो गया कि बात तो सही है, बात तो, क्योंकि ये जो थे ना हजरत नईम जो थे, ये इन बनु कुरैजा से इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, इसीलिए बात पर गौर करने पर वो लोग आमादा हो गए। अगर ऐसे किसी को बोल देते तो फिर वो नहीं होते ना, तो इन्होंने इस बात पर गौर किया और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम अगर इनका साथ देंगे और कल को ये जीतने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए तो हम तो यहाँ से जिला वतन हो जाएंगे, जो रही सही थोड़ी बहुत जगह है अपने शहर से भी दर बदर, यहाँ से भी गए है ना, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, तो ये मामला तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो अब हजरत नईम वहां पर पहुंचे, इनका कुछ ना बिगड़ेगा अगर वो मतलब चले गए, यानी कि जो गतफान वाले हैं, और इनसे कहा कि कुरैश और गतफान तो मुहासरे से तंग आकर वापस भी जा सकते हैं, इनका कुछ ना बिगड़ेगा, मगर तुम्हें मुसलमानों के साथ इसी जगह रहना है, वो लोग अगर चले गए तो तुम्हारा क्या बनेगा?
मेरी राय यह है कि तुम इस वक्त तक जंग में हिस्सा ना लो जब तक कि इन बाहर से आए हुए कबाइल के चंद नुमाया आदमी तुम्हारे पास यरगमाल के तौर पर ना भेज दिए जाए। यानी उनसे क्या कहो कि हम कैसे, तुम जाके उनसे कहो गतपान से और कुरैश से कि हम तुम पर कैसे ट्रस्ट करें और तुम हमारे पास कुछ आदमी दे दो ताकि हम अपनी कस्टडी में रखें कि इन केस तो हम अगर तुम्हारे दिल में जहन में धोखे की भी बात आई तो तुम्हें याद तो रहेगा कि तुम्हारे आदमी हमारे पास हैं, तो तुम जरा सोच समझ के कुछ काम करोगे तो कुछ लोगों को हमारी तरफ भेज दो। अब ये जब बात उन्होंने कुरैश और गतपान वालों को भेजी है कि हमारी तरफ अपने कुछ आदमी भेजो, दोनों कबीले में से कुछ कुछ आदमी चाहिए हमको, तो उनको जाके इन्होंने ये कहा तो इन लोगों ने वहां पर बात पहुंचा दी। किसने? बनू कुरैजा ने इन लोगों को पहुंचा दी। और वहां जाके इन्होंने क्या कहा, इन दोनों कबीलों को जाके कहा कि तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है इनको, कि अपने तुम्हारे आदमी मांगते हैं और तुम्हारे ऊपर इनको भरोसा नहीं, कैसे तुम इनको अपना शरीक बना रहे हो। अब इस तरीके से दोनों के जहनों में बात खलल पैदा हो गई ना कि क्या है कि तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करते और तुमसे आदमी मांगते हैं, कि इतना भी यकीन नहीं कर सकते कि हम इतने बड़े जत्थे हैं और तुम हार जाओगे, ये कैसे मुमकिन है। तो इस तरीके से इन्होंने दोनों जगह पर डिवाइड एंड रूल का काम किया। ये बात बनू कुरैजा के दिल में उतर गई और उन्होंने मुत्तहिद मुहाज के कबाइल से यरगमाल तलब करने का फैसला कर लिया। फिर ये साहब कुरैश और गतफान के सरदारों के पास गए और उनसे कहा कि बनू कुरैजा कुछ ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं, बईद नहीं है कि वो तुमसे यरगमाल के तौर पर कुछ आदमी मांग ले, पहले ही खबर पहुंचा दी है ना, और उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करके अपना मामला साफ कर ले, ऐसा ना हो कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाए और तुम्हें धोखा दे दे। अब क्या हुआ कि इससे मुत्तहिद महाज के लीडर बनू कुरैजा की तरफ से खटक गए और उन्होंने करजीब सरदारों को पैगाम भेजा कि इस तवील मुहासरे से अब हम तंग आ गए हैं, अब एक फैसला कुन लड़ाई हो जानी चाहिए, कल तुम इधर से हमला करो और हम उधर से यकबारगी मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं। बनू कुरैजा ने जवाब में कहला भेजा कि आप लोग अपने चंद नुमाया आदमी पर यरगमाल के तौर पर हमारे हवाले ना करेंगे। चाबी लेके जाते हैं, चाबी नहीं, चाबी अच्छा लेके जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो हम यानी अब ये क्या हुआ कि ये लोग क्या कहने लगे, हाँ ये लोग बोलने लगे, बनू गतफान और जो कुरैश थे बोल कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि ये जो बार बार इधर से उधर करना अब खत्म करो, एक साथ क्या करते हैं हमला कर देते हैं और खत्म करते हैं इस किस्से को। तो उन्होंने क्या कहा, हम करेंगे ही नहीं हमला जब तक तुम आदमी नहीं भेजोगे, मतलब हम तुम्हारा साथ ही जब देंगे जब तक तुम आदमी भेजो। तो इन्होंने कहा कि हमला करो इधर से और हम भी हमला कर देते हैं। बनू कुरैजा ने जवाब में कहला दिया कि आप लोग अपने चंद नुमाया आदमी यरगमाल के तौर पर हमारे हवाले ना कर दें, हम जंग का, यरगमाल का मतलब है जो मतलब श्योरिटी बनाकर रखे रहते हैं ना, उनको कहा जाता है मैनुअल, हाँ गिरवी रखना, मैनुअल मतलब इंसानी श्योरिटी जिसको कहा जाता है, ठीक है, माल की होती है और एक जान की होती है, तो ये जान पहले दौर में जानों की होती हुआ करती थी। अच्छा जी, हाँ हाँ बोले मान लो ले जाओ ले जाओ। अच्छा जी, तो बनी कुरैजा ने जवाब में कहला दिया कि जब तक आप यरगमाल के तौर पर चंद आदमी ना भेज देंगे हम जंग का खतरा मोल नहीं ले सकते। इस जवाब से मुत्तहिदा महाज के लीडरों को यकीन आ गया कि नईम की बात बिल्कुल सच्ची थी, उन्होंने यरगमाल देने से इनकार कर दिया और इससे अब फूट पड़ गई। तो इन्होंने इनकार कर दिया और इन्होंने क्या कहा कि हम जंग नहीं लड़ेंगे, और इससे बनू कुरैजा ने समझ लिया कि नईम ने हमको ठीक मशवरा दिया था। यानी दोनों तरफ से हजरत नईम कॉन्फिडेंस में आ गए कि भाई ये सही कह रहे थे, उन्होंने सही कहा था। इस तरह ये जंगी चाल बहुत कामयाब साबित हुई और इसने दुश्मनों के कैंप में फूट डाल दी। अब मुहासरा 25 दिन से ज्यादा तवील हो चुका था, यानी कि वो इंतजार करते करते 25 दिन गुजर गए थे जब उन लोगों ने मुहासरा किया हुआ था, घेरा हुआ, और फूट पड़ जाने से भी मुहासरीन के हौसले पस्त हो चुके थे। इस हालत में यकायक एक रात सख्त आंधी आई, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजजाती तौर पर एक आंधी आई, और एक आंधी तेजी से आई जिसमें सर्दी और कड़क और चमक थी और इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ तक सुझाई ना देता था, यानी कि अपना भी हाथ नहीं देख सकते थे, इतनी अंधेरे वाली आंधी आई। अंधेरे आंधी के जोर से दुश्मनों के खेमे उलट गए
और इनके अंदर शदीद अफरा तफरी बर्पा हो गई, यानी अल्लाह सुबहान तआला ने जंग का मौका ही नहीं आने दिया, आंधी के जरिए मामला निपटा दिया। और रातों रात कुदरत खुदावंदी का ये कारी वार वो ना सह सके। रातों रात हर एक ने अपने घर की राह ले ली और सुबह जब मुसलमान उठे तो मैदान में एक दुश्मन भी ना मौजूदा। यानी जैसे ही आंधी आई सारे अपने घरों को भाग गए और आप मतलब मुसलमान आराम के चैन की नींद सो रहे थे और अल्लाह सुबहान तआला ने जब देखा सुबह को उठ के तो कोई दुश्मन ही नहीं है सामने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान को दुश्मन से खाली देखकर फौरन इरशाद फरमाया, अब कुरैश के लोग तुम पर कभी चढ़ाई ना कर सकेंगे, अब तुम इन पर चढ़ाई करोगे। ये हालात का बिल्कुल सही अंदाजा था, कुरैश ही नहीं सारे दुश्मन कबाइल मुत्तहिद होकर इस्लाम के खिलाफ अपना आखिरी दाव चल चुके थे। यानी वो क्या समझ रहे थे, एक एक कबीला अब गठजोड़ करके भी कोई नहीं बनी तो अब सब की हिम्मत क्या हो गई, पस्त हो गई। और इसमें हार जाने के बाद अब इनमें ये हिम्मत ही बाकी ना रही थी कि मदीने पर हमला आवर होने की जुर्रत भी कर सकते थे। अब हमले की कुव्वत दुश्मनों से मुसलमानों की तरफ मुंतकिल हो चुकी थी। खंदक से पलटकर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो जोहर के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हुक्म सुनाया कि अभी हथियार ना खोले जाएं, बनू कुरैजा का मामला बाकी है, वो तो चले गए, अब इनका मामला तमाम करो, इनसे भी इस वक्त निमट लेना चाहिए। ये हुक्म पाते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऐलान फरमाया कि जो कोई समा व ताअत पर कायम हो वो असर की नमाज इस वक्त तक ना पढ़े जब तक दियार बनी कुरैजा पर ना पहुंच जाए। इस ऐलान के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को एक दस्ते के साथ मुकदमतुल जैश के तौर पर बनी कुरैजा की तरफ रवाना कर दिया। वो जब वहां पहुंचे तो यहूदियों ने कोठों पर चढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर गालियों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन ये बदजुबानी उनको इस जुर्म अजीम के खमियाजे से कैसी बचा सकती थी कि उन्होंने ऐन लड़ाई के वक्त मुआहिदा तोड़ डाला, है ना, मुसलमानों से मुआहिदा तोड़ दिया था तो अब इसका बदला लिया जा रहा है। और हमला आवरों से मिलकर मदीने की पूरी आबादी को हलाकत के खतरे में मुब्तला कर दिया था। हजरत अली रदियल्लाहु तआला के दस्ते को देख कर वो समझे थे कि ये महज धमकाने आए हैं, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयादत में पूरा इस्लामी लश्कर वहां पहुंच गया और उनकी बस्ती का मुहासरा कर लिया गया तो इनके हाथों के तोते उड़ गए। मुहासरे की शिद्दत को वो 2-3 हफ्तों से ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके और आखिरकार उन्होंने इस शर्त पर आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया कि वो कबीला औस के सरदार हजरत साद बिन माज रदियल्लाहु तआला अन्हु इनके हक में जो फैसला भी करेंगे उसे फरीकैन मान लेंगे। उन्होंने हजरत साद रदियल्लाहु तआला अन्हु को इस उम्मीद पर हकम बनाया था कि वो जमाने जाहिलियत में औस और बनी कुरैजा के दरमियान जो भी हलीफाना ताल्लुकात मुद्दतों से चले आ रहे थे वो इनका लिहाज करेंगे और उन्हें भी इसी तरह मदीने से निकल जाने देंगे जिस तरह पहले बनू कैनुका और बनू नुजैर को निकल जाने दिया गया था। यानी कि अब ये इन लोगों ने क्या कहा कि हमारा जो मुहासरा कर लिया है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के जरिए से बनू कुरैजा का मुहासरा करवा लिया, पूरा घिराव डलवा दिया। हाँ, अब ये जो थे ना मतलब कुछ ही दिन गुजरे थे, 3-4-5 दिनों में क्या हुआ इन लोगों को, अब घबरा। एक शख्स जो घर में कैद कर दिया जाता है ना वो बहुत बड़ी है ना, वो तो रिस्ट्रेंट जो था उसकी वजह से अब ये लोग घबराने लगे। अब इन्होंने अपने एक शख्स को भेजा, कहा कि हम मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि जो भी फैसला हजरत साद करेंगे हम उसको मान लेंगे, क्योंकि पहले जमाने जाहिलियत में भी वो औस और इस कबीले के दरमियान फैसला किया करते थे तो उनको लगा कि अब भी हमारे कुछ ना कुछ फायदे का फैसला, हालांकि हजरत साद ईमान ला चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो थे बनी इन लोगों ने कहा कि हमें कत्ल ना करे, जिस तरह से पहले दो यहूदी कबीले को बाहर जाने की इजाजत दे दी गई वैसे हमें भी क्या कर दें, इजाजत दे दें बाहर जाने की। इतने में खुद कबीला औस के लोग भी हजरत साद रदियल्लाहु तआला अन्हु से तकाजा कर रहे थे कि अपने खलीफों के साथ नरमी बरतें, लेकिन हजरत साद रदियल्लाहु तआला अन्हु अभी
भी देख चुके थे कि पहले जिन दो यहूदी कबीलों को मदीने से निकल जाने का मौका दिया गया था वो किस तरह सारे गर्दोपेश के कबाइल को भड़का कर मदीने में 10-12 हजार का लश्कर चढ़ा लाए थे, यानी कि इनको छोड़ना ही क्या है, गलती है, तो इनको छोड़ा ही ना जाए, इनको जिला वतन नहीं किया जाएगा। और ये मामला भी इनके सामने था कि इस आखिरी यहूदी कबीले ने ऐन बैरूनी हमले के मौके पर बदअहदी करके अहले मदीना को तबाह कर देने का क्या सामान किया था, इसलिए उन्होंने फैसला दिया कि बनू कुरैजा के तमाम मर्द कत्ल कर दिए जाएंगे, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा और इनके तमाम इमलाक मुसलमानों में तकसीम कर दिए जाएंगे। इस फैसले पर अमल किया गया और जब बनी कुरैजा की गुड़ियों में मुसलमान दाखिल हुए तो उन्हें पता चला कि जंग अजाब में हिस्सा लेने के लिए इन गद्दारों ने 1500 तलवारें, 300 जिरें, 2000 नेजे और 1500 ढालें फराहम की थी, यानी कि ये ऑलरेडी इतना सब कुछ सामान इनके पास से बरामद हुआ तो उससे पता चला कि ये कितने खिलाफ थे मुसलमानों के। और अगर अल्लाह की ताईद मुसलमानों के शामिल हाल ना होती तो ये सारा जंगी सामान ऐन वक्त मदीने पर अकब से हमला करने के लिए इस्तेमाल होता, जबकि मुशरिकीन यकबारगी खंदक पार करके टूट पड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस इंकशाफ के बाद तो इस अमर में शक करने की कोई गुंजाइश ही ना थी कि हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इन लोगों के मामले में जो फैसला किया वो सबसे सही था, यानी सारे मर्दों को कत्ल और औरतों बच्चों को कैदी बना लिया जाए। माशरती इस्लाहात, जंग अहद और जंग अजाब के दरमियान 2 साल का ये जमाना अगरचा ऐसे हंगामों का जमाना था जिनके बदौलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को एक दिन के लिए भी अमन और इत्मीनान नसीब नहीं हुआ। यानी सोचे कि एक माहौल जो जंग का, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक वो चल रहा था ना, एक एजुकेशन चल रहा था, लोग जाकर सिर्फ आवाजें उठा रहे थे, तो कैसा हंगामा बरपा था। तो सोचे जहां पर हर वक्त ये रहे कि कभी भी हमारे गर्दन पर तलवार चलाई जा सकती है, तो कैसे वो 3 साल लोगों ने गुजारे होंगे, और वो भी छोटे छोटे औरतें बच्चे उन लोगों के कब्जे में है जो खुद दुश्मन है, है ना, तो कितना खौफ वाला माहौल था जो इन लोगों ने गुजारा है। असहाब को एक दिन के लिए भी अमन और इत्मीनान नसीब ना हुआ, लेकिन इस पूरी मुद्दत में नए मुस्लिम मुआशरे की तामीर और हर पहलू में जिंदगी की इस्लाह का काम बराबर जारी रहा। यही जमाना था जिसमें मुसलमानों के कवानीन निकाह व तलाक करीब करीब मुकम्मल हो गए और विरासत का कानून बना, शराब और जुए को हराम कर दिया गया और मईशत और माशरत के दूसरे बहुत से पहलुओं में नए जाब्ते नाफिज कर दिए गए। यानी यहाँ पर जंगे चल रही हैं, वहां से अल्लाह की रब्बुल इज्जत की वहिया नाजिल हो रही है, सारे जो माशरती निज़ाम है उसको मुस्तहकम किया जा रहा है, क्योंकि जो सूरह बकरा है उसका नुज़ूल शुरू हुआ है 2 हिजरी में और बाकी मतलब आगे, क्योंकि मदनी सूरह है ना वो, तो 2 हिजरी में सारा जो के जरूरत पड़ी जबकि मुसलमान हिजरत करके आ गए, अब इनको मुनज़्ज़िम कौम बनना था ना, एक ऑर्गेनाइज वे में जिंदगी गुजारनी थी, तो अल्लाह सुभान व तआला ने अहकामात नाजिल करना शुरू किए। तो तलाक और जो भी मतलब वो, क्योंकि क्या हो रहा था ना उस वक्त, जो पिछली जो तलाक और जो मैरिजेस जो भी लॉ थे मैरिज के, वो सारे बदल कर इस्लामी कवानीन करने थे, क्योंकि लोग कैसे हो रहे थे, इस्लाम में गौल के गौल दाखिल हो रहे थे, तो उनको पहले ही पता होना चाहिए था ना कि क्या क्या रूल्स और क्या क्या कवानीन है। और इसी सिलसिले का एक अहम मसला जो इस्तलाह का तकाजा कर रहा था वो था बेटा बनाने का मसला, मुंह बोले बेटे बनाने का जो मसला था। अरब के लोग जिस बच्चे को मुतबन्ना बना लेते थे, यानी कि अपना मुंह बोला बेटा बना लेते थे, वो बिल्कुल इनके हकीकी औलाद की तरह समझा जाता था, हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। मुंह बोला बेटा, मुंह सिर्फ मुंह बोला बेटा जैसी कोई चीज नहीं होती है, यहाँ तक इस चीज से भी रोक दिया गया था, लोग जब कहने लगे थे जैद बिन मोहम्मद, तो उनको रोक दिया गया कि जैद बिन हारिसा ही कहो, मोहम्मद नहीं कह सकते, वो जिसकी औलाद है उसकी तरफ मंसूब होगी। अब गोद ले सकते, हाँ नाम नहीं दे सकते, उसी को ही उसको ही बताना पड़ेगा जो उसका असल वालिद है, और जिन ऐसा है ना कि कभी जिसका नहीं वालिद पता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया फिर वो तुम्हारे इस्लामी भाई है, जिनका तुम नहीं जानते ना, ऐसा होता है यतीम बच्चा उठा लाए हैं तो कैसे पता चलेगा कि इसका वालिद कौन है, तो वो तुम्हारे इस्लामी भाई, वो तुम्हारी औलादे नहीं है, वो तुम्हारे दे आर द सिस्टर एंड ब्रदर्स इन इस्लाम, नहीं नहीं
हाँ नहीं नहीं नाम रख सकते हैं आप, सिर्फ नाम रखेंगे, लेकिन आप अपना नाम नहीं दे सकते, आप ये नहीं बोल सकते बिन, तो शरीफ नहीं लगेगा। हाँ समझे आप, जैसे उमर बिन शरीफ है ना, तो उमर उमर अगर जैसे कि आपने गोद लिया बच्चा, तो आप उमर बिन शरीफ नहीं कह सकते, उमर बिन जो भी है वो ओरिजिनल, अगर नहीं है ओरिजिनल नहीं पता तो सिर्फ उमर और दूसरा नाम नहीं आप ऐड कर सकते, नहीं दे सकते। हाँ इस्लाम में सरनेम वगैरह नहीं, ये तो अपने यहाँ कल्चर है, अब वो कल्चर के हिसाब से आप इंडियन कानून के हिसाब से आप शरीफ रखेंगे, लेकिन इस्लामी तौर पर इस्लाम में किसी बिन के साथ ही आता है ना, वो क्यों आता है क्योंकि अब यहाँ पर मामला जो बताया जा रहा है ना ये तलाक और ये इसका क्यों, क्योंकि हजरत जैनब का भी निकाह होना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इसी पर है ना दोनों रश्क किया करती थी दोनों सूरह में। हाँ देखो जो अब जैसे ना हम लोग जो है ना यहाँ पर जिस 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 मुल्क में रहते हैं ना उसके कवानीन को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हम दिल से उस चीज का इकरार नहीं करते। क्या क्या हाँ हाँ चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अरब के लोग जिस बच्चे को मुतबन्ना बना लेते थे वो बिल्कुल इनके हकीकी औलाद की तरह समझा जाता था, यानी अरबों में ये कवानीन थे कि जो मुंह बोला बेटा बेटा है वो असल बेटे के बराबर है, वो विरासत का भी शरीक है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हकीकी बेटे के जो भी राइट्स हैं वो सब उसको मिलेंगे। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक यहाँ पर असल बात आने वाली है वो हम देखते हैं, सीरत का एक और पहलू है इसमें शामिल, उसे विरासत मिलती थी, इससे मुंह बोली माँ और मुंह बोली बहनें वही खला मिला रखती थी जो हकीकी बेटे और भाई से रखा जाता है, इसके साथ मुंह बोले बाप के मर जाने के बाद इसकी बेवा का निकाह इस तरह नाजायज था जैसे कि सगी बहन और सगे माँ से नाजायज होता है, निकाह जायज नहीं था, और यही मामला इस सूरत में भी किया जाता था, जब मुंह बोला बेटा मर जाए या अपनी बीवी को तलाक दे दे मुंह बोले बाप के लिए वो औरत सगी बहू की तरह होती थी। ये रस्म कदम कदम पर निकाह और तलाक और विरासत के इन कवानीन से टकराती थी जो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा और सूरह निसा में मुकर्रर कर दिए थे, क्योंकि वो निकाह भी जायज था क्योंकि वो मुंह बोला है, और दूसरी बात विरासत में उसका कोई हिस्सा भी नहीं है, तो यहाँ पर हिस्सा भी दिया जा रहा था निकाह नहीं किया, बिल्कुल उल्टा मामला हो रहा था। तो अब अल्लाह सुभान व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से वो एग्जाम्पल दिया ताकि ये चीज रूल ही खत्म हो जाए। अब ये रस्म इनका हक मारकर एक ऐसे शख्स को दिलवा दी थी जो सिरे से कोई हक ही नहीं रखता था, वो औलाद का हक है, अगर 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो अगर एक बच्चा उसका खुद का जाती है और दूसरा उसका मुंह बोला है तो 50 लाख तो उसको चले गए, वो उसका हकदार भी नहीं है। तो यहाँ पर मतलब अब ये बड़ी रकम बोली तो कितना धचका लगा ना 10-20 हजार बोलते तो बुरा लगता है ना, पर 5 हजार तो गए इसलिए बड़ी रकम हमने बोली, ठीक है। तो और इन जिन औरतों और मर्दों के दरमियान रिश्ता या निकाह हलाल था, ये रस्म इनके बाही में निकाह को हराम कर रही थी, और सबसे ज्यादा ये कि इस्लामी कवानीन जिन बद अखलाकियों का सद्देबाप करना चाहता था ये रस्म उनके फैलने में मददगार थी, क्योंकि रस्म के तौर पर ये मुंह बोले रिश्ते में ख्वाह कितना ही तकद्दुस पैदा कर दिया जाए, कितना भी मान लिया जाए रहेगा वो ना महरम ही, ठीक है। हर बहरहाल मुंह बोली माँ मुंह बोली बहन और मुंह बोली बेटी हकीकी माँ और बेटी की तरह नहीं हो सकती, इन मस्नूई रिश्तों के रस्मी तकद्दुस पर भरोसा करके मर्दों और औरतों के दरमियान जब हकीकी रिश्तेदारों का सा खिला मिला हो तो वो बुरे नताइज पैदा किए बगैर नहीं रह सकता, इन वजूद से इस्लामी कवानीन निकाह और तलाक कानून विरासत और कानून हुर्मत जिना का ये तकाजा था कि मुतबन्ना को हकीकी औलाद की तरह समझने की तखय्युल का कतई इस्तेसाल कर दिया जाए, यानी अल्लाह सुबहानहु ताला ने जो हजरत जैनब का निकाह करवाया है ये पर्पसली करवाया गया, क्यों करवाया गया, इस रूल को पूरे
इस्लाम में खत्म करना था कि मुंह बोले बेटे जैसा भी कोई बेटा होता है कि वो विरासत का भी हकदार हो और उसकी बीवी क्या हो जाए, हमारे लिए महरम यानी कि बहू की तरह हो जाए, ये रूल को खत्म करवाना था। इसीलिए नबी को इस काम में इन्वॉल्व किया गया, और चाहते तो किसी और भी शख्स से निकाह करवा दिया जा सकता था, लेकिन एक सुन्नत के तौर पर ये चीज निकल आए। ठीक है, अब इस तरह से लेकिन ये तखय्युल महज एक कानूनी हुक्म के तौर पर इतनी सी बात कर देने से खत्म नहीं हो सकता था, सिर्फ बोलने से काफी नहीं था, क्योंकि देखिए एक सदियों जमाने से जो रूल चला रहा है किसी कौम में, वो सिर्फ बोलने से नहीं खत्म हो सकता कि भाई ये रूल पास हो गया और ये कर दो। लोग अगर नहीं भी सामने करेंगे, छुप छुप के वही काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए इस चीज का कुछ ना कुछ सद्देबाप करना था। मुंह बोला रिश्ता कोई हकीकी रिश्ता नहीं है, सदियों के जमे हुए तासुबात और ओहाम महज अकवाल से नहीं बदले जा सकते थे। हुक्मन लोग इस बात को मान भी लेते कि ये रिश्ते हकीकी रिश्ते नहीं है, फिर भी मुंह बोली माँ और मुंह बोले बेटे के दरमियान, मुंह बोले भाई और बहन के दरमियान, मुंह बोले बाप और बेटी के दरमियान, मुंह बोले खुसर यानी ससुर और बहू के दरमियान निकाह को लोग मकरू समझ रहे थे, यानी कि बुरा समझते थे। नेज इनके दरमियान मिलना जुलना भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाता था, इसलिए नागुजीर था कि ये रस्म अमलन तोड़ी जाए और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस इसको तोड़े, यानी खुद इस चीज में इन्वॉल्व होकर इस रस्म को तोड़े, क्योंकि जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया हो और अल्लाह के हुक्म से किया हो, उसके मुतालिक किसी मुसलमान के जहन में कराहत का तसव्वुर भी बाकी नहीं रहता। इसी बिना पर जंग अहज़ाब से कुछ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा किया गया कि आप अपने मुंह बोले बेटे जैद बिन हारसा की मुतालिका बीवी से खुद निकाह कर लें, और इस हुक्म की तामील आपने मुहासरे बनी कुरैजा के जमाने में फरमाई। गालिबन ताखीर की वजह यह थी कि इद्दत खत्म होने का इंतजार था और इसी दौरान में जंगी मसरूफियात पेश आ गई थी। मामला क्या हुआ था असल में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब, शी वाज ऑफ हायर स्टैंडर्ड, वो बहुत रिच थी और मतलब नाजों से पली थी और मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फोर्सफुली हजरत ज़ैद जो कि उनके मुंह बोले बेटे उनसे निकाह करना, अब इन दोनों में निकाह नहीं थे बिकॉज डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड, वो गुलाम थे और ये रानी, समझ ले गुलाम और एक प्रिंसेस में, और खूबसूरत भी थी वो। तो यहाँ पर मामला ये हुआ कि दोनों में निभा नहीं हो पा रही थी। अब क्या होते हैं, हजरत जैद कहते हैं या रसूलल्लाह हमारा तलाक करवा दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं नहीं जारी रखो, मैंने फोर्स किया था ज़ैनब को कि निकाह करे। अब उसके दिल कितनी दिल आजारी होगी कि मैंने निकाह करवाया और तुम तोड़ रहे निकाह को तलाक में बदलना चाहते हो, तो बार बार उनको फोर्स कर, नहीं रहने दो खींच लो जितना हो सकता है खींच लो, लेकिन बिल आखिर हजरत ज़ैनब उकता जाते, मतलब उनकी नहीं निभा हो पाती, क्योंकि वो लोग एक दूसरे की मेंटालिटी मतलब वो कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पा रहा था एक दूसरे के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसलिए मना कर रहे थे कि अगर मैं इन दोनों का तलाक करवा देता हूँ तो ज़ैनब इससे कम पर राजी नहीं होंगी कि मैं उनसे खुद निकाह कर लूं, क्योंकि उनको अब जब किसी, क्योंकि दिल आजारी का अजाला इस तरीके से हो कि उनको कुछ बेहतर मिले, अगर बेहतर नहीं मिलेगा तो फिर वो तो और गमगीन हो जाएंगे और फिर वो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच रहे थे कि मैं अगर उनको तलाक करवा देता हूँ दोनों की और मैं निकाह करूंगा तो मैं करूँ कैसे, क्योंकि ज़ैद मेरे मुंह बोले बेटे और इसमें ये जो रिवाज है ये तो मतलब लोगों की बातें क्या कर देंगी, परेशान करके रख देंगी, हलकान करके रख देंगी। अल्लाह सुबहान तआला ने हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमने तुम्हारा निकाह कर दिया है ज़ैनब से, आप उनका तलाक करवाएं, यानी कि हमारी तरफ से ये निकाह होना मतलब ये तय पाया है, तो आप इन दोनों की तलाक करवाएं। क्यों करवाना है, क्योंकि वो जो रस्म फैली हुई है उसको तोड़ना है और नबी के जरिए से तोड़वाना है, ताकि कोई मुसलमान कल को उठकर ये ना कह दे कि भाई ये तो रूल किसी ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवा दिया था क्योंकि निभा नहीं हो पा रही थी, ये भी बोल सकते थे ना आपका। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रस्म को तोड़े और फिर खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो वो एक कानून बन जाता है, वो एक शरीयत का वो रखता है ना, मतलब अथॉरिटी रखता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कर दी थी कि इनसे निकाह किया जाए और कोई मुंह बोला बेटा नहीं, उनको हारिस बिन मोहम्मद नहीं कहा जाएगा बल्कि
زید بن حارث ہی کہا جائے گا, زید بن محمد نہیں کہا جائے گا, نہ ہی وہ آپ کے ورثے میں وہ ہوں گے اور نہ ہی وہ آپ کی سگی بہو ہوں کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. تو آپ ان سے بے شک آپ نکاح کر سکتے ہیں, اور آپ نکاح کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو اوہام پھیل گیا ہے وہ ختم ہو جائے پھر. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زینب کا کیا کیا, نکاح کروایا ہے عرش پر, مطلب اپنے طرف سے کروایا ہے. یہ بات کے دشمنوں کے تصنیف کیے ہوئے یہ افسانے مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھنے سے بھی نہ رکے کہ اس امر کی کھلی ہوئی علامت تھی کہ معاشرے میں شہوانیت کا عنصر حد اعتدال سے بڑا ہوا تھا. یہ خرابی اگر موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ذہن ایسی پاک ہستی کے متعلق ایسے بے سرو پا اور اس قدر گھناؤنے افسانوں کی طرف ادنا التفات بھی کرتے. کجا یہ کہ زبانیں ان کو دہرانے لگی. یہ ٹھیک موقع تھا جب اسلامی معاشرے میں ان اصلاحی احکام کے نفاذ کی ابتدا کی گئی ہو, جو حجاب پردے کے عنوان سے بھی بیان کیے گئے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نکاح کروانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ یہ جو رسم ہے وہ ٹوٹ جائے, منہ بولے بیٹے والی, پھر ان کو جو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے وہ ٹوٹ جائے, اور پھر یہ جو نکاح جن سے نکاح جائز ہے ان سے نکاح کو جو روک دیا تھا, تو اس سے معاشرے میں زنا پھیلنے کا بہت زیادہ کیا تھا. دیکھیں ایک نامحرم مرد ہے, وہ تم کوئی اور رشتے کا نام دے دو کہ میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے, لیکن ہے تو وہ نامحرم. شیطان جو رہتا ہے نا وہ وسوسے ڈال دیتا. اب دیکھیں کہ اس دور میں نعوذ باللہ جب لوگ سگوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر سوتےلے اور جو منہ بولے ان کا کیا معاملہ ہوتا. اس دور کی بات ہم کر رہے ہیں, تو وہاں پر وہ روک تھام کرنا بہت زیادہ ضروری تھا کہ ایک زمانہ ایسا فساد مچانے والا اور جو کہ ہم میں آ گیا وہ زمانہ, تو جہاں پر اصل رحم کے رشتوں کا احترام نہیں ہے, لوگ بہن بھائیوں میں نکاح کروا دیتے ہیں, تو سوچے کہ کیا معاشرے کی حیثیت ہو جاتی. دس وہ تو ماں بیٹے کی بات آپ کر رہے ہیں. اسلام میں دو عورتیں ایک چادر میں نہیں سو سکتی, دو مرد ایک چادر میں نہیں سو سکتے. کیونکہ پتہ ہے کہ وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں پھیلا ہے, تو وہ جب شیطان جب درمیان میں آتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا, پھر کون ریلیشن کیا ریلیشن ہے کون ہے وہ سب نہیں دیکھتا ہے. تو اسلام میں ہر چیز کو جو مطلب جس چیز کو جو مقام دیا گیا ہے نا, اس سے بہت ساری چیزیں اس کے پس منظر ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو مطلب اگر اس دور میں اس چیز کو نہیں روکا جاتا تو آج کے دور میں کتنا بڑا فساد پھیل گیا ہوتا, کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کی روک تھام وہی نہیں کر دی ہوتی تو وہ منہ بولے. دیور تو موت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, پھر نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پروپیگنڈے کا طوفان. یہ کام ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان یکلق اٹھ پڑا. مشرقین اور منافقین اور یہود سب آپ کے پیدر پہ کامیابیوں سے جلنے لگے. احد کے بعد احزاب اور بنی قریظہ تک دو سال کی مدت میں جس طرح وہ رک رک جو وہ زک پر زک اٹھاتے چلے گئے, اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آگ لگ گئی تھی. وہ اس بات سے بھی مایوس ہو چکے تھے کہ اب وہ کھلے میدان میں لڑ کر بھی آپ کو زیر کر سکیں گے, اس لیے انہوں نے اس نکاح کے معاملے کو اپنے لیے ایک خدا داد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی برتری کو ختم کر سکیں گے, جو ان کی طاقت اور ان کی کامیابی کا اصل راز ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیوں متاثر ہوتے ہیں, آپ کے اخلاق کی بنا پر. اب ہم ایسی باتیں اڑائیں گے اس معاملے میں, کیونکہ حضرت زینب منہ بولے بیٹے کی بیوی ہیں اور انہوں نے کیسے نکاح کر دیا, تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, اخلاق کے بہت پست انسان ہیں, تو لوگ کیا ہوں گے, ان سے دور ہو جائیں گے. تو یعنی ہم فزیکلی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اب ایموشنلی اور اس طرح سے ٹارچر کیا جائے, یعنی کہ اذیتیں پہنچائی جائے, زبانی اذیتیں.
अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस हो चुके थे कि जब वो खुले मैदान में लड़कर कभी आपको जेर कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने इस निकाह के मामले को अपने लिए एक खुदा दाद मौका समझा, यानी समझ रहे थे कि अल्लाह की तरफ से हमें ये मौका मिला है, अब हम क्या करेंगे, इनको अजियतें पहुंचाएंगे, और ख्याल किया कि अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इखलाकी बर्तरी को खत्म कर सकेंगे जो इनकी ताकत और इनकी कामयाबी का असल राज है। चुनाचा ये अफसाने तराशे के माज़ल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहू को देखकर आशिक हो गए थे, नऊज़ुबिल्लाह, बेटे को इस ताल्लुक खातिर का इल्म हो गया, इसने बीवी को तलाक दे दी और बाप ने इसके बाद बहू से ब्याह कर लिया। यानी कि हजरत वैद बिन हारिस ने निकाह क्यों तोड़ा, क्योंकि इन लोगों के ताल्लुक के बारे में उनको खबर हो गई, नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि ये बात सरीहन लगव थी, हजरत ज़ैनब रदिल्ला ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात बहन थी, कजिन थी, ठीक है। बचपन से जवानी तक इनकी सारी उम्र आपके सामने गुजरी थी, किसी वक्त इनको देखकर आशिक हो जाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसरार करके हजरत जैद रदिल्ला ताला अन्हु से इनका निकाह कराया था। इनका सारा खानदान इस पर राजी ना था कि कुरैश के इतने ऊंचे घराने की लड़की एक आजाद करदा गुलाम से ब्याही जाए। खुद हजरत जैनब रदिल्ला ताला अन्हु भी इस रिश्ते से राजी ना थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सब मजबूर हो गए थे और हजरत जैद रदिल्ला ताला अन्हु के साथ इनकी शादी करके अरब में इस अमर की पहली मिसाल पेश कर दी गई कि इस्लाम एक आजाद करदा गुलाम को उठाकर शुरफाए कुरैश के बराबर ले आया है। तो पहली चीज ये हुई कि जब हजरत जैद का निकाह उनसे हुआ कुरैश की आजाद खातून से जो कि ऊंचे घराने की है, तो ये हो गया कि इस्लाम में गुलाम और उसकी कोई वो नहीं है, सारे लोग इंसान हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब को क्या किया था, खुद फोर्स किया था कि उनसे निकाह कर ले, और फिर वो उनके सामने ही बड़ी हुई थी। देखिए जो सामने हमारे बड़े होते हैं ना, तो उनसे जनरली ऐसा होता है इश्क वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ कजिन अपने साथ बड़े होते हुए उनको पाया, तो उनका कोई ऐसा रुझान था ही नहीं हजरत जैनब की तरफ। तो यहाँ पर वो चीज भी उनसे क्लियर हो गई थी। कुरैश इनका सारा खानदान इस पर राजी ना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोर्सफुली ये निकाह करवाया था और हजरत जैनब खुद हरसेल्फ ही वाज नॉट रेडी फॉर द निकाह। फिर खुद हजरत जैनब भी राजी ना थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सब मजबूर हो गए और हजरत जैद की शादी उनसे करवा दी। अगर फिल वाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मैलान हजरत जैनब रदिल्ला ताला अन्हा की जानिब होता तो जैद बिन हारिसा से इनका निकाह करने की जरूरत ही क्या थी। यानी अगर वो खुद हजरत जैनब से को चाहते थे तो क्यों डायरेक्टली नहीं करते, उनसे करवा के इतना उल्टा क्यों करवाना था, इनडायरेक्ट स्टेप लेते, आप खुद इनसे निकाह कर सकते थे। लेकिन बेहया मुखालिफीन ने इस सारे हकाइक के मौजूद होते ये इश्क के अफसाने तसनीफ कर दिए, खूब नमक मिर्च लगा लगा कर इनको फैला दिया और अहले और प्रोपोगेंडे का सूर इस जोर से फूका कि खुद मुसलमानों के अंदर भी इनकी गड़ी हुई रिवायत फैल गई। जिस तरह से हजरत आयशा का मामला हुआ था कि मुसलमान भी क्या हो गए थे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इन्वॉल्व हो गए, इसी तरह से इनके मामले में भी कुछ मुसलमान इन्वॉल्व हो गए। ये बात के दुश्मनों की तस्नीफ किए हुए ये अफसाने मुसलमानों की जबानों पर चढ़ने से भी ना रुके, इस अमर की खुली हुई अलामत थी कि मुआशरे में शहवानियत का अंसर हद एतदाल से बड़ा हुआ था। यानी कि ये इतना ज्यादा आम था कि किसी की भी औरत के ऊपर नजर रखना ये बहुत कॉमन चीज थी उस मुआशरे में, तो इसीलिए उन्होंने वैसी स्टोरी मेक की, क्योंकि जैसा मुआशरा होता है वो वैसी ज़हनियत होती है, जैसी ज़हनियत होती है वो वैसी ज़बान से बातें निकलती हैं। अब ये जो बातें थी जो कमजोर ईमान वाले मुसलमान थे वो उस बातों में आ गए तो उनके भी ज़बानों से वो बातें निकलने लगी। फिर ये खराबी अगर मौजूद ना होती तो मुमकिन ना था कि जहन ऐसी पाक हस्ती के मुतालिक ऐसे बेसरे पा और इस कदर घिनौने अफसाने की तरफ अदना इल्तफात भी करते, कुजा की ज़बानें इनको दोहराने लगी। ये ठीक मौका था जबकि इस्लामी माशरे में इन इस्लाही अहकाम के निफाज की इब्तिदा की गई, यानी कि जब ऐसा मौका मिल जाए कि जहां पर लोग बेहयाई और उरियानत और ये सारी, लेकिन पता क्या मामला था वहां का माशरा कैसा था,
कि लोग अपनी महबूबाओं पर शायरियां लिखते थे और अपनी बीवी को एक कमोडिटी समझते थे, इस्तेमाल की चीज समझते थे और उससे मोहब्बत का इजहार नहीं करते थे। एक ऐब समझा जाता था बीवियों से मोहब्बत के इजहार को और एक हुनर समझा जाता था महबूबा से मोहब्बत के इजहार को, और बाकायदा उनके ऊपर शायरियां लिखी जाती थी, काबे पे शायरी टंगाई जाती थी, जिसकी सबसे बेहतरीन होती थी काबे के दीवार पर वो लटका दी जाती थी शायरी। तो ये मामला वहां पर चल रहा था। तो अल्लाह सुबहान तआला ने इसी मौके को, जबकि बेहयाई फैली हुई है, हिजाब के अहकाम नाजिल कर दिए, क्योंकि सही मौका, जब मौका होता है उसकी मुनासिबत अहकाम आए तो उस पर अमल करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला ने हिजाब के अहकाम पर्दे के उनवान से बयान किए हैं। इन इस्लाहात का आगाज इस सूरे से किया गया और इनकी तकमील एक साल बाद सूरे नूर में की गई। हम पहले भी पढ़ चुके हैं सूरे नूर बाद में नाजिल हुई है, एहजाब पहले नाजिल हुई है। इसमें अंदरूनी मुआशरे का, मतलब बैरूनी का था बाहर कैसे रहना, अंदरूनी का हम पढ़ चुके हैं सूरे नूर में, ठीक है। फिर सूरे नूर में की गई है, जबकि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर बहतान का फितना खड़ा हुआ, ये उस वक्त की बात है। पहले हजरत जैनब से निकाह हुआ है, फिर हजरत आयशा पर बहतान लगा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी जिंदगी से मामलात, इसी जमाने में दो मसले और भी तवज्जह तलब थे, अगरचे बज़ाहिर इनका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी जिंदगी से था, मगर जो जात अपनी जान खुदा के दीन को परवान चढ़ाने के लिए खपा रही थी वो हमातन इस कार्य अजीम में मुनहमिक थी। इसलिए खानगी जिंदगी का सुकून फराहम करना और इसको परेशानियों से बचाना और इसको लोगों के शकूक व शुबात से महफूज रखना भी खुद दीन ही के मुफाद के लिए जरूरी था। इसलिए अल्लाह ताला ने सरकारी तौर पर इन दोनों मसलों को भी अपने हाथ में ले लिया। पहला मसला ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त माली हैसियत से तंग थे, यानी कि मतलब इकोनॉमिकली उनकी वीकर कंडीशन थी। इब्तदाई चार साल तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जरिया आमदनी भी ना था। चार हिजरी में बनू नुजैर की जिला वतनी के बाद इनकी मतरूका जमीनों का एक हिस्सा अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरियात के लिए मखसूस कर दिया गया, मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे के लिए काफी ना था। इधर मनसब रिसालत के फराइज इतने भारी थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और दिल और दिमाग की सारी ताकतें और आपके औकात का एक एक लम्हा सूते डाल रहे थे और आप अपने माश के लिए जर्रा बराबर भी कोई फिक्र या कोशिश नहीं कर सकते थे। इन हालात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहररात खर्च की तंगी के बास आपके सुकून तबा में खलल अंदाज होती थी तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन पर दोहरा बार पड़ता था। यानी चार लाइनें बची हैं फिर मुकम्मल हो जाएगा ये इंट्रोडक्शन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो पहले चार साल है जमाने इसके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तंगी के मामलात में चल रहे थे कि उनके पास एक तो पहले नजूल हो रहा था वही का कॉन्स्टेंटली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था तबलीग और फिर लोग आ रहे हैं उनको सिखाना है पढ़ाना है, फिर साथ में जंग का मामला चल रहा है। तो एक इंसान कहाँ फोकस करे, वो जंग पर फोकस करे या फिर अपने घर पर फोकस करे या फिर तबलीग पर फोकस करे या लोगों की तालीम पर फोकस करे या अपने मुआश पर फोकस करे। तो मुआश तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ ही दिया था कि कोई जरिया आमदनी था ही नहीं। तो अल्लाह सुबहान तआला ने हुक्म दिया कि बनू नुज़ैर ने जो जमीन छोड़ी है उसमें से कुछ हिस्सा जो होगा वो आपका होगा, उसमें जो भी खेती वगैरह होती है वो आपके घर वाले, लेकिन खानदान इतना बड़ा है और उसको पूर्ण नहीं हो पाता था, वो पूरा नहीं हो पाता था। तो अल्लाह सुबहान तआला ने उस मौके का भी यहाँ पर बयान किया है। दूसरा मसला ये था, और फिर क्या होता था कि जब तंगी पड़ती थी, जब कमी होती थी, तो बीवी आके किसको कहेंगी, शौहर को कहेंगी हमारे पास खाने को नहीं है, ये नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डबल डिप्रेशन में, मतलब डिप्रेशन नऊज़ु बिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिप्रेशन में नहीं थे, यानी कि एक सोच में पड़ जाते थे कि मामला कैसे हल किया जाए, कि मतलब है भी नहीं और फिर इनको भी देना ही है कुछ ना कुछ करके। इसी के मुकाबले में जो दूसरा मसला था कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ निकाह करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बीवियां मौजूद थी, हजरत सौदा, आयशा और हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचवी बीवी थी। इस पर मुखालिफिन ने ये एतराज उठाया और मुसलमानों के दिलों में भी इससे शुबहात उभरने लगे कि दूसरों के लिए तो बैक वक्त चार बीवियां हैं
और नबी के लिए एक साथ पांच बीवियां, तो ये कैसे, यानी कि ये कैसा दोहरा मामला है, मगर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पांच बीवियां कैसे करनी है। तो ये क्या करना चाह रहे थे असल में, कि हम इनको फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, अब इनको जहनी तौर पर क्या कर दिया जाए, हर किस्म से मतलब गमगीन कर दिया जाए, और जब ये गमगीन हो जाएंगे तो इनके जो सरगर्मियां है इस्लाम वाली वो पस्त हो जाएंगी। एक इंसान जब परेशान होता है ना, कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फिर वो उस काम जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो उससे पीछे हटता है। तो ये क्या चाह रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तबलीग की जिम्मेदारियां उससे पीछे हट जाए, क्योंकि उनका जहन पर हर वक्त ये रहेगा मैं अपनी बीवियों को क्या खिलाऊं, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, और सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नऊज़ुबिल्लाह आपने ये एक एक स्टोरी क्रिएट कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह शहवत के तौर पर की है शादी, और फिर पांच बीवियां बैक वक्त, और मुसलमानों के लिए सिर्फ चार बीवियां अल्लाह ने इजाजत दी। तो ये सारा क्या हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हनी तवाज़ुन पर असरअंदाज हो रहा था। तो अल्लाह सुबहानहू तआला ने इसके भी मामला इस सूरह में डील किया। अब जो भी कुछ हम पढ़ेंगे ना, सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। हम लोग ऐसा करते हैं, जल्दी से दुआ कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, चल गया। तो आप लोगों ने यानी हम लोग एक खुलासा लेते हैं कि हम लोगों ने देखा जंग अज़ाब के मुतालिक, जिसमें खंदक खोदी गई, फिर हमने बनू कुरैज़ा की गज़वा कुरैज़ा देखी कि वो लोगों ने जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद तोड़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजकर पूरी तरह से उनका मुहासरा किया और सारे मर्दों को कत्ल करवा दिया, औरतों को बांदी बना लिया। फिर हमने देखा हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ और इससे अल्लाह सुबहान तआला ने जिना की रोकथाम को तरजीह दी और मुंह बोले बेटे के लिए जो विरासत का मामला था और जो महरम और ना महरम की जो लिस्ट थी उसको प्रॉपर करना मकसूद था। फिर हमने देखा कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये लोग फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके तो इन्होंने क्या तैयारियां शुरू कर दी कि इनके अहले खाना पर, इनकी बीवियों पर इल्जाम लगाए जाए नऊज़ुबिल्लाह। फिर अगले ही साल हजरत आयशा पर इल्जाम लगा दिया गया, जो कि हम पहले पढ़ चुके। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पर क्या कर रहे थे, हाँ बिल्कुल तकलीफ देने शुरू कर दी थी। इनकी सारी चीजों की डिटेल इंशाल्लाह हम कल करेंगे, कल बिल्कुल। सबसे पहले खदीजा, फिर हजरत खदीजा के इंतकाल के फौरन बाद आप मतलब हजरत खदीजा की लाइफ में कोई भी नहीं थी, फिर उनके बाद जो निकाह हुआ है सौदा से हुआ है, फिर उसके बाद आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ है, फिर उसके बाद इस तरीके से 11 बीवियां, हमको असल में नाम नहीं याद रहते, हम आपको बता देंगे। हाँ 11 थी, लेकिन जिस वक्त ये हुआ है ना हजरत जैनब का निकाह, उस वक्त 5 थी और हजरत जैनब का हजरत खदीजा का इंतकाल हो चुका था। एट अ टाइम 5 बीवियां थी, इसीलिए मुशरिका ने हजरत खदीजा के जिंदगी तक नहीं उन्होंने इंतकाल, हाँ तो इसीलिए उन लोगों ने ये कहा कि 4 बीवी हम लोगों को हुक्म दिया गया है, ये कैसे 5 बीवी रखकर बैठे, यानी नऊज़ुबिल्लाह। इस तरीके से इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पर अज़ियतें देना शुरू कर दी थी। ठीक है, अरे वो बहुत सारी थी ना, देखें ऐसा होता था कि ना उस दौर में 100, 200, 300 बीवियां की जाती थी, अब उसको कट शॉर्ट करते 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 इस पर लाया गया। देखिए इस्लाम ने, इस्लाम जो है ना वो ऐसा मजहब नहीं था कि अरब के हर कानून को खत्म करने के लिए आया था, नहीं, वो चीजें जो कि शरीयत से टकरा रही थी सिर्फ उसको खत्म किया गया, और जो चीजें शरीयत के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही थी उनको कायम रखा गया। बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, बहुत सारी चीजें जो शरीयत में मतलब वो थी, अभी इंशाल्लाह हम इसमें जिहार वगैरह भी ईला हम पढ़ चुके, जिहार देखेंगे इंशाल्लाह। तो कितनी सारी चीजें हैं जो कि उस माशरे में थी, तो अल्लाह सुबहानहू तआला ने उनको वैसे ही रहने दिया, क्योंकि ऐसा था कि जो चीजें दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकती थी उन्हीं को खत्म किया गया, और जो चीजें दीन इस्लाम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रही थी, वाई टू टच दोस टॉपिक, तो उनको वैसे ही रहना दिया गया। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम लोग अगर अल्लाह पाक ये मुकम्मल करवाए हम लोगों की सीरा, तो हम लोग डीप सीरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए दुआ कर लेते हैं। औजु बिल्लाह के शैतान और रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुभान रब्बिका
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناسية بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے رب ہمیں دین کی بھی بھلائی نصیب عطا فرما دنیا کی بھی بھلائی نصیب عطا فرما آخرت کی بھی بھلائی نصیب عطا فرما اور ہماری حفاظت فرما جہنم کے عذاب سے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر یا رب ہم نے تیرے کلام کو سنا اور ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا رب ہمیں شاہدین میں لکھتے یا اللہ تو ہمیں گواہوں میں شامل فرما دے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا یا رب ہماری پکڑ نہ فرمانا اگر ہم بھولیں یا چوکیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی یا رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جن کو اٹھانے کی ہم میں طاقت اور سکت نہ ہو وافونا یا رب ہم سے در گزر فرما دے وغفر لنا اور ہماری بخشش فرما دے ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دے انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین تو ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما ربنا آمنا بما انزلتا فاتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین اے رب ہم ایمان لائے ہر اس چیز پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی اور تمام انبیاء کی طرف نازل کی گئی اور ہم نے رسولوں کی اتباع کی اور تو ہمیں شاہدین گواہوں میں شامل فرما دے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم نے اپنے کاموں میں اسراف کیا یا رب ہمارے قدموں کو جما دے کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے رب گناہ کر کے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے یا رب ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین اے رب ہمیں ظالم قوم میں شامل نہ فرما دینا رب اجعل هذا بلدا آمنا اے رب اس ملک کو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے وجنبنی وبنیا ان نعبد الاصنام اے رب ہماری حفاظت فرما کہ ہم بتوں کی عبادت کریں یا رب ہماری اولادوں کی حفاظت فرما کہ وہ بتوں کی عبادت کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یا رب ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری ذریت کو ہماری نسلوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا وتقبل منا ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب ہم سے دعاؤں کو قبول فرما لے
रब्बना फिर ली ए रब मेरी बख्शिश फरमा दे वली वालिदैया और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे वलिल मुमिनीना और तमाम मोमिन मोमिनात की बख्शिश फरमा दे यौम यकूमुल हिसाब जिस दिन तू हिसाब किताब कायम करेगा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा या रब हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह हमारी कमसिनी में उन्होंने हम पर रहम फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन ए रब तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है तू पाक है तेरी जात पाक है बेशक हम ही जालिमीन में से हैं हम ही अपनी जानों पर गुनाह करके जुल्म करते हैं रब्बी रब्बी अंजिलनी मुंजलन मुबारकन वअंत खैरुल मुंजिलीन ए रब हमें मुबारक मंजिलों पर पहुंचा दे या रब हमारी मुबारक मेहमान नवाजी फरमाना क्योंकि तू बेहतरीन मेहमान नवाज है रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून ए रब हम पनाह मांगते हैं हम पनाह में आते हैं तेरी कि हम शैतान के नक्शे कदम पर चलें या रब हम इससे भी पनाह मांगते हैं कि वो हमारे पास भी भटके रब्बनसरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन अज़ाब हकान गरामा ए रब हमें जहन्नम के अज़ाब से फेर दे बेशक जहन्नम का अज़ाब गले का फंदा है रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा ए हमारे रब हमें अता कर हमारी जोड़ों से और हमारी औलादों से आंखों की ठंडक ए हमारे रब हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे रब्बी औज़ीनी अन अशकुरा निअमतिकल्लती अनअमता अलैया वअला वालिदैया वअनअमल सालिहन तरदाहू वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन ए हमारे रब हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरी नियमतों का शुक्र करें वो नियमतें जो तूने हमको अता की और वो नियमतें जो तूने हमारे वालिदैन को अता की हैं और ए रब हमें तौफीक अता फरमा कि वो हम अमल करें जिससे तू राजी हो जाए और ए रब हमें दाखिल फरमा दे अपनी रहमत से उन बंदों में जो सालिहीन हैं जो नेकोकार हैं रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर ए रब हर वो खैर जो तू हमारी तरफ नाजिल करता है हम सब उसके मोहताज हैं या रब हमारी तरफ जो खैर तू नाजिल करे हम सब उसके मोहताज हैं وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اے رب ہم تمام معاملات کو تیرے سپرد کرتے ہیں رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان عمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اے رب ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر اس نعمت کے شکر گزار ہوں جو تو ہم پر اور ہمارے والدین پر نازل فرماتا ہے اور ہمیں ہر وہ مقبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے اور اے رب ہماری ذریتوں کو ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے اے رب ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم فرما برداروں میں سے ہیں ہم مسلمانوں میں سے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر اے ہمارے رب جس وقت پل صراط قائم ہو تو ہمارے نور کو ہمارے لیے تمام فرما دینا یا رب ہمارے نور ہمارے لیے کامل فرما دینا یا رب ہمارے نور سے دوسروں کو بھی مستفید فرما دینا یا رب ہمارے نوروں سے لوگوں کو فائدہ ہو اور ہم اپنے نوروں سے پل صراط کو بجلی کی طرح پار کر سکیں اے رب ہماری مغفرت فرما دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا یا رب تو ہماری بھی مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی بھی بخشش فرما دے اور یا رب تو ہمارے گھر میں داخل فرما ہر مؤمن بندے کو اور ہر مؤمنات کو اور نہیں ظالمین کے علاوہ کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ اے رب اپنے سامنے ہمیں جنت میں ایک گھر نصیب عطا فرما دے یا رب تیرا دیدار کرتے رہیں اور جب چاہیں تیرا دیدار کریں یا رب
हमें उनमें शामिल ना फरमाना जो हफ्ते में तेरा दीदार करेंगे, या रब हमें उनमें शामिल फरमा देना जो तेरे कुर्ब खास में होंगे और जब चाहेंगे निगाह उठाकर तेरा दीदार कर लेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ू अन्ना। या रब ए हमारे रब, तू आफू है, तू दरगुजर करने वाला है, तू बड़ा करीम है, दरगुजर करने को पसंद फरमाता है। या रब तू हमसे दरगुजर फरमा दे। रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा वज़अल लना मिन लदुंका वलिया वज़अल लना मिन लदुंका नसीरा। ए रब हमें वो इमाम नसीब अता फरमा जो हजरत उमर रदिल्लाहु ताला अन्हु जैसे हों। या रब हमें बेहतरीन लीडर नसीब अता फरमा जो हमारे ईमान को मुस्तहकम फरमा दे। या रब जो हमारे ईमान के परवाह करने वाले हों। या रब जो हमें हमारे ईमान की हलावत अता कर दे। या रब जो तेरा खौफ रखने वाले हों। या रब हमें ऐसे इमाम नसीब अता फरमा जो दुनिया से मोहब्बत ना रखने वाले हों और जो तुझसे मोहब्बत रखने वाले हों। ए रब اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك। ए रब तू हमारा रब है, तू हमारा मौला है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने हमें तख्लीक किया है और हम तेरे बंदे हैं। वना अला अहदिका ववादिका मस्ततात। ए रब हम तेरे वादे पर और तेरे हर अहद को पूरा करने की कोशिश करते हैं अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। अऊज़ु बिका मिन शर्री मा सनअत। ए रब हम पनाह मांगते हैं हर शर से जो हम कर लेते हैं। अबू उलक बि निअमतिका अलैया व अबू बिज़म्बी। ए रब हम इकरार करते हैं हर उस नेमत का जो तूने हम पर नाजिल की है और हम इकरार करते हैं हर गुनाह का जो हमने कर दिए हैं। अबू उलक बि निअमतिका अलैया व अबू बिज़म्बी वग़फिरली। ए रब तू हम सबकी मगफिरत फरमा दे। فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ। اے رب تیرے علاوہ مغفرت بھی کرنے والا کون ہے؟ یا اللہ تو ہی بہترین غفار ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے، تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہم عافنی، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے رب ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اے رب ہم تجھ سے تیری جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور اے رب ہم تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے رب ہماری ہمیں جہنم سے پھیر دے۔ اے رب قبروں کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ اے رب تو حشر کی رسوائیوں کو ہم سے پھیر دے۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرما دے، آخرت میں بھی سرخرو فرما دے۔ یا رب جو دن رسوائی کا دن ہو، یا اللہ اس میں ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یا رب وہ دن جب حشر میں تیرے عرش کا سایہ ہوگا، یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرما دینا۔ یا رب ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دینا جن کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانے والا ہے۔ یا رب ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے رب ہمارے والدین پر دنیا میں بھی رحم فرما، آخرت میں بھی رحم فرما۔ اے رب ہمارے والدین سے ان کی تربیت میں جو کوتاہی ہو گئی ہو، یا اللہ ہم نے اس سے درگزر کیا، تو بھی اس سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ان کی پکڑ نہ فرمانا۔ یا رب ہمارے والدین پر ہر لمحہ رحم فرمانا۔ یا رب ان کے درجات کو بلند فرما دینا۔ یا رب جو ہم میں فوت ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو ہم میں زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو ہم میں بڑے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو ہم میں مرد ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور جو ہم میں عورتیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کے منزل سے، یا رب تو مہمان نوازی سے محروم نہ فرمانا۔ یا رب جہنم کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچاتے ہوئے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دینا۔ یا رب تو بڑا حی قیوم ہے، یا رب تو زندہ ہے، تو تھامنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بڑھ کر تھام لے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سیدھے راستے پر چلے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یا رب
ना नेकी करने की ताकत और ना ही गुनाहों से बचने की कुव्वत सिवाय तेरे या अल्लाह। तू ही हमें ताकत अता करता है कि हम नेकियां करते हैं और तू ही हमें कुव्वत अता करता है कि हम गुनाहों से बचते हैं। या अल्लाह हमारी ताकत और कुव्वत को पुख्ता फरमा दे। या अल्लाह हमें नेकियों में गामजन कर दे और बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह बुराइयों को हमारे सीनों में कराहत की तरह उतार दे और नेकियों को हमारे सीने में खुश अखलाकी की तरह उतार दे। या रब हमारे खुल्क सवार दे। या अल्लाह तो हमारे अखलाक सवार दे। या अल्लाह हमारे अखलाक लोगों के ईमान का जरिया बना दे। या अल्लाह इस्लाम को सुरखरू फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत बहाल फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम को गलबा नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हर मुसलमान को दीन का मुबल्लिग बना दे। या अल्लाह दीन का दाई बना दे। या अल्लाह इस कौम के बच्चों की या अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर हर किस्म के हरबे हर किस्म के शर चारों तरफ से घेरे हुए हैं। या अल्लाह हर फितना हम सबको घेर चुका है। या अल्लाह हमसे फितनों को दूर कर दे। या अल्लाह हर उस शर से जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। या अल्लाह हमें हर उस शर से महफूज रख और हर वो खैर जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया है। या अल्लाह हमें हर वो खैर नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह तू बड़ा देने वाला है। तू या रब तू अल-वहाब है। तू हमें अता कर जो तू खैर अता करता है। या अल्लाह तू सत्तार है। तू पर्दा पोशी करने वाला है। या अल्लाह जिस तरह तू हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी दुनिया में करता है, या अल्लाह कयामत के दिन भी हमारी गुनाहों की पर्दा पोशी फरमाना और हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देना। या अल्लाह तेरे लिए क्या आर और क्या बईद है कि तू सारी उम्मत को सारे मुसलमानों को बख्श दे और उनको जहन्नम से निकाल कर जहन्नम से बचाते हुए कब्र के अजाब से बचाते हुए जहन्नम के अजाब से बचाते हुए जन्नत में डाल दे। या अल्लाह हम सब तेरे रहम के मुतलाशी हैं। या रब हम सब तेरी रहमत के तलबगार हैं। या अल्लाह हर लम्हा हमें तेरे रहमत की जरूरत है। या अल्लाह तू हम पर अपने रहमत का साया हमेशा कायम रखना। या रब तू हमारी मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह तू हमारी कोताहियों को बख्श दे। या अल्लाह हमारे दिलों को कल्बे सलीम बना दे। या अल्लाह हमारी नफ्सों को नफ्से मुतमाइन्ना बना दे। या अल्लाह हमें दुनिया से और दुनिया के लोगों से गिना अता फरमा दे। या अल्लाह इस्तगना की दौलत अता फरमा दे। या अल्लाह हमें बंदों का मोहताज ना बना। या रब तू हमें अपना मोहताज बना। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका व अन हरामिका वग्ननी बिफदलिका अम्मन सिवाक। या रब हमें हलाल के जरिए से काफी हो जा। हराम से हमें दूर कर दे। या रब तेरे सिवा हमें किसी का मोहताज ना बनाना। या अल्लाह तू अपना मोहताज बनाए रख। या अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा कि हम दुआ करते रहें। या रब हर वो हाथ जो दुआ के लिए उठता है, या अल्लाह तू उसे खाली नहीं मोड़ता। या अल्लाह हम पुर उम्मीद है तू हमारी जबान से निकलने वाली और हमारे दिलों से उठने वाली हर दुआ को कबूल फरमाएगा। या अल्लाह वो जो दुआएं हमने मांग ली, या अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा ले। जो रह गई हैं उन्हें भी कबूल फरमा ले। हर मुसलमान की जायज दुआ को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें ईमान और एहसान और इखलास के दर्जे नसीब अता फरमा दे। सहाबा अकराम की तरह ईमान की हलावत नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह नबी के दीन पर जान फिदा करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे दीन के लिए मर मिटने का जज्बा नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमें इन्फाक करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे दीन पर खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों से बखीली निकाल दे। या अल्लाह हमारे दिलों से फजूल खर्चियां निकाल दे। या रब हमें एतदाल अता फरमा दे। या अल्लाह हमें दीन में एतदाल अता फरमा दे। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। या अल्लाह हमारे लिए दीन की राहों को कुशादा फरमा दे। दीन की राहों पर चलना आसान फरमा दे। या अल्लाह जो काम तू आसान कर दे वो आसान है और जिन कामों को तू मुश्किल कर दे वो मुश्किल है। या अल्लाह तू हमारे दिलों को इस्लाम की तरफ फेर दे और उस पर चलना आसान फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दुआवाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रि व आयातिल हकीम। اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا.